साथियों आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस के PT365 को देख रहे हैं और इस PT365 का जो पर्यावरण वाला पोर्शन है उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इस पर्यावरण के PT365 का जो पहला पोर्शन है जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उनको इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। तो चलिए इसको प्रारंभ करते हैं। तो पहला है आपका जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज, इसमें पहला टॉपिक है वैश्विक परिदृश्य ग्लोबल सिनारियो के बारे में। तो इसके तहत सबसे पहले बात करते हैं IPCC की छठी आकलन रिपोर्ट के बारे में। तो देखिए IPCC का फुल फॉर्म क्या है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो सुर्खियों में किस लिए रहा है, हाल ही में इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने अपनी छठी आकलन रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है, AR6 क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस। यह रिपोर्ट AR6 के वर्किंग ग्रुप 1 द्वारा तैयार की गई थी। देखिए इस रिपोर्ट के बारे में यदि बात करें तो IPCC द्वारा जलवायु परिवर्तन संबंधित वैज्ञानिक तकनीकी और सामाजिक आर्थिक जानकारी, इसके प्रभाव तथा भविष्य के जोखिमों एवं जिस दर से जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसे कम करने संबंधी विकल्पों की स्थिति के बारे में व्यापक आकलन रिपोर्ट तैयार की जाती है। इसके द्वारा अब तक 5 आकलन रिपोर्ट तैयार की गई है। पहली रिपोर्ट वर्ष 1990 में जारी की गई थी। AR6 वर्ष 2013 में जारी की गई AR5 की का नवीनतम संस्करण होगा। AR5 के बाद किए गए सुधारों की बात करें तो पहला है अवलोकन आधारित अनुमानों में सुधार और पूरा जलवायु पुरालेखों से प्राप्त सूचना, वस्तुतः जलवायु प्रणाली के प्रत्येक घटक और अब तक इसमें हुए परिवर्तनों के संबंध में व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करती है। वहीं दूसरा है नए जलवायु मॉडल सिमुलेशन, नए विश्लेषण और कई प्रकार के साक्ष्यों को समाहित करने वाली विधि के माध्यम से मौसम और जलवायु संबंधी चरम स्थितियों सहित जलवायु के कई परिवर्तनशील घटकों पर मानवीय प्रभाव को बेहतर ढंग से समझने में सहायता मिलती है, यह सहायता मिली है। अब यहाँ पे इस रिपोर्ट के जो प्रमुख निष्कर्ष हैं उनको देख लेते हैं। तो देखिए जलवायु की वर्तमान स्थिति और उस संबंधित आंकड़े और सांख्यिकी की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं मानवीय प्रभाव ने स्पष्ट रूप से वायुमंडल, महासागर और भूभाग के तापमान में वृद्धि की है। लगभग 1750 ईस्वी से भली भांति मिश्रित ग्रीन हाउस गैस के संकेंद्रण में वृद्धि देखी गई है जो स्पष्ट रूप से मानवीय गतिविधियों के कारण है। वायुमंडल, महासागर तथा निम्न तापमंडल और जीवमंडल में व्यापक और तीव्र परिवर्तन मानवीय प्रभाव से संबंध है। जैसे कि वैश्विक स्तर पर हिमनदों का पिघलना, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि, महासागर के कई ऊपरी क्षेत्रों में ऑक्सीजन स्तरों में गिरावट, वर्षण में परिवर्तन, महासागर की सतह के निकट लवणता में परिवर्तन, महासागर की खुली सतह का वैश्विक स्तर पर अम्लीकरण, उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु के दौरान हिमावरण में गिरावट। अब इससे संबंधित जो तथ्य हैं उनको भी देखते हैं। यहाँ पर देखिए पहला है वैश्विक पृष्ठीय तापमान ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर में वर्ष 1850 से 1900 की तुलना में वर्ष 2011 से 2020 में 1.09 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई है। महासागर 0.88 डिग्री सेंटीग्रेड की तुलना में स्थलीय भूभाग जो है 1.59 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान में अधिक वृद्धि हुई है, मतलब महासागर की तुलना में स्थलीय भूभाग के तापमान में वृद्धि ज़्यादा हुई है। विगत 4 दशकों में से प्रत्येक दशक में 1850 के बाद से किसी भी दशक की तुलना में तापमान लगातार बढ़ता रहा है। ऐसा अनुमान है कि मानवीय गतिविधियों के कारण वैश्विक पृष्ठीय तापमान में वर्ष 1850 से लेकर के 1900 से लेकर के वर्ष 1910 से 2010 से लेकर 2019 तक 1.07 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई है। देखिए आर्कटिक महासागर का हिम क्षेत्र जो है वर्ष 1979 से लेकर 1988 और वर्ष 2010 से 2019 के बीच सितंबर में लगभग 40% और मार्च में लगभग 10%, तो 2010 से लेकर 2019 के बीच घटा है जो आर्कटिक महासागर का हिम क्षेत्र है। वहीं वैश्विक औसत समुद्र स्तर में वर्ष 1901 और वर्ष 2018 के बीच 0.2 मीटर की वृद्धि हुई है।
समुद्र स्तर में वृद्धि की दर वर्ष 1901 से 1971 के दौरान 1.3 मिलीमीटर प्रतिवर्ष थी, जो 2006 से 2018 के दौरान बढ़ करके 3.7 मिलीमीटर प्रतिवर्ष हो गई है। ठीक है, वैश्विक औसत समुद्र स्तर का जो विस्तार है वो बढ़ गया है। दोनों गोलार्ध में जलवायु क्षेत्रों का स्थानांतरण ध्रुव की ओर हुआ है और उत्तरी गोलार्ध के बहिरुष्ण कटिबंध में 1950 के दशक से प्रति दशक बुआई मौसम में औसत 2 दिनों का विलंब हुआ है। आगे देखते हैं, अगला है, संपूर्ण जलवायु प्रणाली में हुए हालिया परिवर्तनों का पैमाना जो है वो अप्रत्याशित है। देखिए, IPCC के इस रिपोर्ट वर्ष 2019 का जो है इसका विश्लेषण यदि करें तो ग्लोबल वार्मिंग के साक्ष्य पहले से उपलब्ध हैं। कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड का वर्तमान संकेंद्रण विगत 20 लाख वर्षों में नहीं देखा गया है। हिमनदों के पिघलने की वर्तमान दर विगत 2000 के से अधिक वर्षों में नहीं देखी गई है। पिछला दशक विगत 125,000 वर्षों में किसी भी अवधि की तुलना में अधिक गर्म था। समुद्र जल स्तर में विगत 3000 वर्षों की अवधि में किसी भी शताब्दी की तुलना में अधिक तीव्र वृद्धि हुई है। वहीं आर्कटिक महासागर में ग्रीष्म ऋतु के दौरान हिमावरण विगत पिछले 1000 वर्षों के किसी भी अवधि की तुलना में कम है, जो हिमावरण है। वहीं महासागरीय ऊष्मन की गति विगत हिमयुग के अंत के बाद के किसी अवधि की तुलना में अधिक तीव्रतर है। विगत 26,000 वर्षों के में वर्तमान महासागरीय अम्लीकरण सर्वोच्च स्तर पर है। आगे देखते हैं, अगला है, मानव जनित जलवायु परिवर्तन पहले से ही संपूर्ण पृथ्वी के प्रत्येक क्षेत्र में मौसम और जलवायु संबंधी चरम परिघटनाओं को प्रभावित कर रहा है। ये चरम मौसमी परिघटनाएं जैसे कि लू, भारी वर्षण, सूखा और उष्णकटिबंधीय चक्रवात आदि से संबंध है। देखिए, 1950 के दशक से अधिकांश स्थलीय क्षेत्रों में लू सहित उष्णता संबंधी चरम घटनाएं अधिक निरंतर और तीव्र हो गई हैं। 1980 के दशक में से समुद्री लू या हीट वेव की आवृत्ति लगभग दोगुनी हो गई है। 1950 के दशक से अधिकांश स्थलीय क्षेत्रों में भारी वर्षण की घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि हुई है। विगत 4 दशकों में उष्णकटिबंधीय चक्रवात की घटना में वृद्धि हुई है। वहीं आगे चलते हैं, मनुष्य जनित निवल धनात्मक रेडियो एक्टिव फोर्सिंग के कारण जलवायु प्रणाली में अतिरिक्त ऊर्जा या तापन का संचय हुआ है। रेडियो एक्टिव फोर्सिंग वस्तुतः जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक और या मानव जनित कारकों के कारण वायुमंडल में ऊर्जा के प्रवाह में होने वाले परिवर्तनों या परिवर्तन को संदर्भित करता है। धनात्मक रेडियो एक्टिव फोर्सिंग का अर्थ है कि पृथ्वी को सूर्य प्रकाश से प्राप्त होने वाली ऊर्जा पृथ्वी द्वारा अंतरिक्ष में विमुक्त होने वाली ऊर्जा से अधिक है। इसके बारे में देखें तो देखिए, जलवायु प्रणाली के तापमान के कारण भूभाग से हिम पिघलने और महासागरी उष्मन के द्वारा जल के तापीय विस्तार से वैश्विक औसत समुद्र स्तर में वृद्धि हुई है। जलवायु प्रणाली के तापमान के 91% हेतु महासागरी उष्मन जो है वो उत्तरदायी है। साथ ही जलवायु प्रणाली के तापन में भूभाग उष्मन, हिमावरण की हानि, वायुमंडलीय उष्मन जो है इस क्रमशः, मतलब कह सकते हैं कि भूभाग उष्मन का 5%, हिमावरण की हानि 3% और वायुमंडलीय उष्मन जो है 1% के लिए उत्तरदायी है। तापीय प्रसार के कारण वर्ष 1971 से 2018 के दौरान समुद्र जल स्तर में 50% की वृद्धि हुई है। साथ ही समुद्र जल स्तर में वृद्धि के लिए हिमनद से हिम पिघलने, हिमावरण की क्षति और स्थलीय जल के भंडारण में परिवर्तन जो है, देखिए, हिमनद से हिम पिघलने में 22%, हिमावरण की क्षति जो है 20% और स्थलीय जल के भंडारण में परिवर्तन जो है 8% के लिए ये उत्तरदायी हैं। जलवायु संवेदनशीलता संतुलन जो है वो वैश्विक औसत पृष्ठीय वायु तापमान वृद्धि, जिसके कारण वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दोगुनी हो जाती है, इससे 3 डिग्री सेंटीग्रेड होने का अनुमान है। मतलब जलवायु संवेदनशीलता संतुलन 3 डिग्री सेंटीग्रेड होने का अनुमान है। आगे चलते हैं, इसमें अन्य चीज़ों को देखें तो वर्ष 2050 तक उत्सर्जन की सभी स्थितियों में वैश्विक पृष्ठीय तापमान में वृद्धि होती रहेगी 2050 तक। अगर आने वाले दशकों में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में अधिक कमी नहीं की जाती है तो 21वीं शताब्दी के दौरान ग्लोबल वार्मिंग से
या ग्लोबल वार्मिंग में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड या 2 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक वृद्धि हो जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग होने वाली वृद्धि के साथ क्षेत्रीय औसत तापमान, वर्षण और मृदा की नमी में व्यापक परिवर्तन होता है। निरंतर ग्लोबल वार्मिंग से वैश्विक जलचक्र और तीव्र होने का अनुमान है, जिसमें इसकी परिवर्तनशीलता, वैश्विक मानसून वर्षण और गंभीर प्रकृति की बाढ़ और सूखे घटनाएं शामिल हैं। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वृद्धि से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने में महासागरीय और स्थलीय कार्बन सिंक जो है ये कम प्रभावी हो जाएंगे। ठीक है, यदि कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में वृद्धि होती है तो वायुमंडल में या वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने में महासागरीय और स्थलीय कार्बन सिंक कम प्रभावी हो जाएंगे। ग्रीन हाउस गैस संबंधी विगत और आगामी उत्सर्जन के कारण होने वाले कई परिवर्तन अपरिवर्तनीय हैं। ठीक है, विशेषकर महासागर, हिमावरण और वैश्विक समुद्र जल स्तर में हुए परिवर्तन। देखिए, यदि हम बात करें जोखिम आकलन और क्षेत्रीय अनुकूलन के लिए जलवायु सूचना के बारे में, जलवायु सूचना क्लाइमेट इंफॉर्मेशन फॉर रिस्क असेसमेंट एंड रीजनल एडॉप्टेशन। तो देखिए, विश्व के सभी क्षेत्रों में जलवायविक दशाओं को प्रभावित करने वाले कई चालकों में परिवर्तन होने का अनुमान व्यक्त किया गया है, जो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड ग्लोबल वार्मिंग की तुलना में 2 डिग्री सेंटीग्रेड की गति से घटित हो रहा है। जलवायविक दशाओं को प्रभावित करने वाले चालक या क्लाइमेट इम्पैक्ट ड्राइवर्स वस्तुतः जलवायु प्रणाली की भौतिक दशाएँ, उदाहरण के लिए मध्यम, तीव्र, चरम। तो ये जलवायु प्रणाली की भौतिक दशाएँ जो होती हैं, ये दशाएँ होती हैं जो समाज या परितंत्र के तत्व को प्रभावित करती हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वृद्धि के चलते स्थानीय औसत तापमान, वर्षा और मृदा अपरदा या आर्द्रता में भी गंभीर परिवर्तन उत्पन्न होता है। निम्न संभावित परिणाम जैसे कि हिमावरण का पिघलना या विनाश, महासागरीय प्रसंचरण में आकस्मिक परिवर्तन, कुछ मिश्रित चरम घटनाएं और भविष्य में ऊष्मन की अनुमानित संभावित सीमा से अधिक ऊष्मन की संभावना को अस्वीकार नहीं किया जा सकता, और इसलिए यह जोखिम आकलन का हिस्सा है। भारत के लिए क्षेत्रीय निष्कर्ष क्या है? तो भारत दक्षिण एशियाई देश है, तो भारत पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ने की संभावना है। संपूर्ण दक्षिण एशिया में 21वीं शताब्दी के दौरान लू और आर्द्रता जनित ऊष्मीय दबाव की स्थिति अधिक तीव्र और निरंतर घटित होगी। दूसरा, वार्षिक और ग्रीष्मकालीन मानसूनी वर्षा दोनों में 21वीं शताब्दी के दौरान वृद्धि के साथ साथ अंतरवार्षिक परिवर्तनशीलता में भी वृद्धि होगी। वर्षण और नदी बाढ़ की घटनाओं में वृद्धि होगी तथा वनाग्नि वाले मौसमों के लंबा और तीव्र होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। 21वीं शताब्दी के दौरान हिंदुकुश हिमालय के अधिकतर भाग में आच्छादित क्षेत्रों और हिम के परिणाम में गिरावट आएगी और उच्चतर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन स्थितियों में बृहद पैमाने पर द्रव्यमान में हानि के कारण हिमनद के विस्तार क्षेत्र में कमी आएगी एवं हिमरेखा की ऊंचाई में वृद्धि होगी। क्षेत्रीय औसत समुद्र जल स्तर में वृद्धि जारी रहेगी और इसके कारण बार बार तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आएगी और निचले क्षेत्रों में उच्च चरम कुल जल स्तर, एक्सट्रीम टोटल वाटर लेवल ETWL और समुद्री पुलिनों पर तटीय अपरदन होगा। यहाँ पर हम लोग IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? यह एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में IPCC का गठन वर्ष 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य सभी स्तरों पर सरकारों को ऐसी वैज्ञानिक सूचनाएं प्रदान करना जिनका उपयोग वे जलवायु नीतियों को विकसित करने के लिए कर सकें। मुख्यालय कहाँ? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। सदस्यों की संख्या 195 सदस्य हैं। क्या भारत का सदस्य? हाँ, भारत इसका सदस्य है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की बात करें तो वर्ष 2007 में IPCC और संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति अल गोर को संयुक्त रूप से 2007 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। उन्हें यह पुरस्कार मानव जनित जलवायु परिवर्तन के संबंध में महत्वपूर्ण ज्ञान एकत्रित करने और उसका प्रसार करने तथा इस प्रकार के परिवर्तन का सामना करने के लिए आवश्यक उपायों की नींव रखने के लिए दिया गया था।
अगला उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2021 के बारे में बात करेंगे, इमिशन गैप रिपोर्ट 2021। देखिए सुर्खियों में इसलिए रहा है क्योंकि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2021 जारी की गई। तो यहाँ पे फैक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है कि उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी किया गया है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के द्वारा जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के बारे में बात करें तो इस रिपोर्ट की वार्षिक श्रृंखला में उत्सर्जन अंतराल का अवलोकन प्रस्तुत किया जाता है। इसमें यह बताया जाता है कि वर्ष 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए क्या भविष्यवाणी की गई है और जलवायु परिवर्तन के बारे के सबसे गंभीर दुष्प्रभावों को टालने के लिए कितना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन होना चाहिए। इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों पर ये बात करें तो पहला है वर्ष 2030 तक के लिए नए या अपडेट किए गए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों और घोषित प्रतिबद्धताओं का वैश्विक उत्सर्जन तथा वर्ष 2030 में उत्सर्जन अंतराल पर केवल सीमित प्रभाव पड़ा है। इससे वर्ष 2030 के अनुमानित उत्सर्जन में केवल 7.5% की कमी की संभावना है। यदि व्याप्त अंतराल इस पूरी शताब्दी में जारी रहता है तो इसके परिणामस्वरूप तापमान में 2.7 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो जाएगी और यह यूनेप की पिछली रिपोर्ट के लिए 3 डिग्री सेंटीग्रेड पूर्वानुमान से कुछ ही कम है। तापमान को या तापन को 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए उत्सर्जन में 30% की कटौती की आवश्यकता है और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए 55% कटौती की आवश्यकता है। अगला है वर्तमान शुद्ध शून्य नेट जीरो लक्ष्य शताब्दी के अंत तक भूमंडलीय तापन को लगभग 2.2 डिग्री सेल्सियस तक ही सीमित कर सकते हैं। जीवाश्म ईंधन अपशिष्ट और कृषि क्षेत्र में मीथेन उत्सर्जन में कमी से अल्पावधि में उत्सर्जन अंतराल को भरने तथा तापन को कम करने में सहायता प्राप्त हो सकती है। साथ ही COVID-19 महामारी के कारण वर्ष 2020 में वैश्विक जीवाश्म स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में अभूतपूर्व 5.4% की गिरावट दर्ज की गई थी। वर्ष 2021 में उत्सर्जन में एक व्यापक विपरीत प्रवृत्ति के भी उत्पन्न होने की उम्मीद है। आगे चलते हैं, अगला है द अडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट 2021 द गैदरिंग स्टॉर्म। देखिए सुर्खियों में यह है इसलिए क्योंकि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई। ध्यान रखिएगा इस रिपोर्ट को भी यूनेप ने ही जारी किया था, अडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट 2021 द गैदरिंग स्टॉर्म। इस रिपोर्ट के बारे में बात करें तो यह रिपोर्ट अनुकूलन पर राष्ट्रीय और वैश्विक प्रगति का आकलन करती है। साथ ही यह अनुकूलन प्रक्रिया के 3 केंद्रीय तत्वों कौन कौन से, योजना निर्माण, वित्त पोषण और कार्यान्वयन को शामिल करती है। इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों की बात करें तो जलवायु परिवर्तन अनुकूलन को नीति और योजना निर्माण में शीघ्रता से सम्मिलित किया जा रहा है। लगभग 79% देशों ने कम से कम एक राष्ट्रीय स्तर के अनुकूलन योजना विकल्प को अपनाया है। वर्ष 2020 से 7% की इसमें वृद्धि हुई है, ठीक है, जो देशों ने अनुकूलन को अपनाया है। दूसरा, विकासशील देशों में अनुकूलन लागत और वित्त पोषण की आवश्यकताएं मौजूदा वित्त प्रवाह की तुलना में 5 से 10 गुना अधिक हैं। विकासशील देशों में अनुकूलन वित्त अंतराल वर्ष 2020 में निर्दिष्ट अंतराल से व्यापक और विस्तृत हो रहा है। हरित और स्थिति स्थापक रिकवरी के लिए COVID-19 रिकवरी प्रोत्साहन पैकेज द्वारा प्रदान किए गए अवसरों का वर्तमान में लाभ नहीं उठाया जा रहा है। अन्य चीज़ों को इसमें देखें तो देखिए कुछ संबंधित शब्दावलियां हैं, जैसे कि अनुकूलन, एडॉप्टेशन ये क्या होता है, तो अनुकूलन जो है ये देशों और समुदायों की जलवायु परिवर्तन के प्रति सुभेदता कम करने की प्रक्रिया है। इसके लिए जलवायु प्रभावों को अवशोषित करने और लचीला बने रहने की उनकी क्षमता बढ़ाई जाती है। अनुकूलन अंतराल क्या होता है, वास्तव में कार्यान्वित किए गए अनुकूलन संबंधी उपायों और सामाजिक स्तर पर निर्धारित लक्ष्यों के मध्य अंतर को जो है अनुकूलन अंतराल के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन के वहनीय प्रभावों से संबंधित वरीयताओं द्वारा निर्धारित होते हैं तथा संसाधनों की कमी और प्रतिस्पर्धी प्राथमिकताओं को परिलक्षित करते हैं। अनुकूलन की लागत, एडॉप्टेशन कॉस्ट की बात करें तो लेन देन की लागत सहित अनुकूलन योजनाओं को तैयार करने, अनुकूलन उपायों को सुविधाजनक बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने की जो लागत होती है उसे ही क्या कहते हैं, अनुकूलन की लागत कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा यहाँ पर देखते हैं संबंधित सुर्खियाँ, जैसे कि फर्स्ट मूवर्स कोएलिशन FMC ये क्या है। तो देखिए यह USA, संयुक्त राज्य अमेरिका और 30 से अधिक
वैश्विक व्यवसायों के साथ साझेदारी में विश्व आर्थिक मंच द्वारा शुरू की गई एक सार्वजनिक निजी भागीदारी है। तो ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट मूवर्स कोएलिशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, ठीक है, यूएसए और 30 से अधिक वैश्विक व्यवसायों के साथ साझेदारी में। यह नवोन्मेषी हरित प्रौद्योगिकियों में निवेश करने के लिए कार्बन सघन क्षेत्रों में आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ वैश्विक कंपनियों को एकजुट करता है ताकि वह वर्ष 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वर्ष 2030 तक व्यापक पैमाने पर उपलब्ध हों। कब तक करना है? वर्ष 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य की प्राप्ति करना है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप के बारे में, देखते हैं इसकी उत्पत्ति इत्यादि के संबंध में बात करें तो देखिए मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो कि स्टॉकहोम सम्मेलन होता कहलाता है 1972 में हुआ था, इसके परिणामस्वरूप एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में जून 1972 में यूनेप यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1972 में हुई थी, ठीक है। और इससे पहले हम लोगों ने इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की बात की थी शुरुआत में IPCC के, तो उसकी स्थापना जो है 1988 में हुई थी। देखिए यह जो यूनेप है यह सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र 2030 एजेंडा के तत्वाधान में काम करता है। यह हमारे समय की सर्वाधिक प्रासंगिक पर्यावरणीय समस्याओं की पहचान और समाधान करता है। इसके उद्देश्य की बात करें तो यह वैश्विक पर्यावरणीय एजेंडा को निर्धारित करता है, सतत विकास के पर्यावरणीय आयामों के सुसंगत कार्यान्वयन को बढ़ावा देता है और वैश्विक पर्यावरण के लिए आधिकारिक समर्थक के रूप में कार्य करता है। मुख्यालय कहाँ है? ये इसका मुख्यालय केन्या की राजधानी नैरोबी में है। इसके सदस्यों की संख्या कितनी है? 193 सदस्य हैं और भारत भी इसका सदस्य है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की बात करें तो इसकी अध्यक्षता एक कार्यकारी निदेशक द्वारा की जाती है और यूनेप जो है अपनी 95% आय के लिए स्वैच्छिक अंशदान पर निर्भर करता है। यह कई बहुपक्षीय पर्यावरणीय समझौतों और अन्य संस्थाओं के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करता है या उन्हें प्रशासित करने का कार्य करता है। कुछ अन्य चीज़ों को देखें तो देखिए वन्य जीवों तथा वनस्पतियों की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन जो साइट से 1973 का है, मतलब जो प्रमुख पर्यावरण संबंधित जो एजेंसियां हैं या संगठन हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं तो ये 1973 का है। वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन CMS या बॉन कन्वेंशन 1979 का है। फिर ओजोन परत के संरक्षण पर वियना कन्वेंशन 1985 का है। वहीं खतरनाक अपशिष्टों के सीमा पार आवाजाही के नियंत्रण और इनके निपटान पर बेसल कन्वेंशन 1989 का है। जैव विविधता पर कन्वेंशन CBD 1992 का है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के लिए पूर्व सूचित सहमत प्रक्रिया पर रोटरडम कन्वेंशन 1998 का है। स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001 का है। वहीं पारा या मरकरी पर मिनमाता कन्वेंशन 2013 का है। तो ये टाइमलाइन जो दी गई है अलग अलग किस समय की है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। मुख्य रिपोर्ट देखते हैं कि इसके द्वारा यूनेप के द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है, तो ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक GEO रिपोर्ट, अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट, एडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट जिसकी चर्चा हम लोग ऊपर कर चुके हैं, ट्रिपल इमरजेंसी, कूलिंग एमिशंस एंड पॉलिसी सिंथेसिस रिपोर्ट। इसे यूनेप द्वारा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA के सहयोग से प्रकाशित किया जाता है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन के बारे में। तो सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन अर्थात WMO ने, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन जारी किया। तो ध्यान रखिएगा कि ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन किसने जारी किया? WMO ने जारी किया है। इस बुलेटिन के मुख्य निष्कर्षों पर यदि नज़र डालें तो वर्ष 2020 में सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता, जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, इसकी सांद्रता 413.2 ग्राम प्रति मिलियन तक पहुंच गई है। यह पूर्व औद्योगिक स्तर का 149% है। वर्ष 1750 के स्तर की तुलना में मीथेन CH4 262% और नाइट्रस ऑक्साइड N2O 123% के स्तर पर पहुँच गया है। वर्ष, और ध्यान रखिए ये सभी क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस हैं। वर्ष 1990 से वर्ष 2020 तक लंबे समय तक रहने वाली ग्रीन हाउस गैसों के कारण होने वाले रेडियो एक्टिव फोर्सिंग, मतलब जलवायु पर तापन प्रभाव में 47% तक की वृद्धि हुई है। इस वृद्धि में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान जो है 80% है, लगभग 80% है। ये आंकड़े WMO
के ग्लोबल एटमॉस्फियर वॉच नेटवर्क की निगरानी पर आधारित हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के बारे में। तो यदि इसकी उत्पत्ति की बात करें तो यह वर्ष 1950 में WMO कन्वेंशन की अभिपुष्टि से स्थापित एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी उत्पत्ति वर्ष 1873 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन IMO से हुई है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन से हुई है। तो ध्यान रखिएगा कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब हुई थी, 1950 में। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य यह संगठन पृथ्वी के वायुमंडल की स्थिति और व्यवहार पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं समन्वय के लिए समर्पित है। साथ ही यह पृथ्वी के वायुमंडल के साथ भूमि और महासागरों तथा मौसम और जलवायु के साथ इसकी अंतर्क्रिया और इससे उत्पन्न जल संसाधनों के परिणामी वितरण के लिए भी समर्पित है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। सदस्यों की संख्या 193 है और भारत भी इसका सदस्य है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देखें तो यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष एजेंसी है। आगे बात करते हैं वैश्विक मीथेन आकलन के बारे में, ग्लोबल मीथेन असेसमेंट। तो देखिए सुर्खियों में क्यों है, तो हाल ही में जलवायु एवं स्वच्छ वायु गठबंधन, जलवायु एवं स्वच्छ वायु गठबंधन नामक संस्था के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप द्वारा वैश्विक मीथेन आकलन या मीथेन उत्सर्जन समन के लाभ और लागत रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। तो ये जो जलवायु एवं स्वच्छ वायु संगठन है, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि वैश्विक मीथेन आकलन रिपोर्ट किसने जारी किया है, क्लाइमेट एंड क्लीनर एयर कोलिशन और यूनेप ने मिलकर के। इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों पर बात करें तो बढ़ता मीथेन संकेंद्रण के बारे में कहा गया, तो औद्योगिक क्रांति के पूर्व के युग से अब तक वायुमंडल में मीथेन का संकेंद्रण जो है वो दोगुना हो गया। कितना हो गया है, दोगुना हो गया है। जलवायु परिवर्तन के कारकों में कार्बन डाइऑक्साइड के बाद मीथेन का ही स्थान आता है। तो ध्यान रखिए कि जलवायु परिवर्तन कारकों में कार्बन डाइऑक्साइड के बाद मीथेन का ही स्थान है दूसरे नंबर पे, जिसका संकेंद्रण जो है वो औद्योगिक क्रांति के पूर्व के युग से दोगुना हो चुका है। पिछले वर्ष वायुमंडल में मीथेन का संकेंद्रण अभूतपूर्ण स्तर तक पहुंच गया, जबकि वैश्विक महामारी के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में गिरावट आई है। मानव जनित उत्सर्जन को कम करना, देखिए मानव जनित उत्सर्जन में 45% तक कमी करने से वर्ष 2045 तक वैश्विक तापमान में वृद्धि में 0.3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी हो सकेगी। समन संबंधी भिन्न संभाव्यता देशों और क्षेत्रों के मध्य समन संबंधी संभाव्यता भिन्न भिन्न है। उदाहरण के लिए चीन की समन संबंधी संभाव्यता कोयला उत्पादन और पशुधन में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि भारत के अपशिष्ट के क्षेत्र में है। जीवाश्म ईंधन उद्योग में कम लागत से मीथेन के उत्सर्जन में कटौती की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। मीथेन उत्सर्जन को कम करने संबंधी जो अन्य सिफारिशें हैं उसमें है व्यवहारात्मक परिवर्तन संबंधी उपाय। इसमें कृषि से होने वाले उत्सर्जन को रोकना, जैसे कि खाद्य पदार्थों की बर्बादी और हानि को कम करना, पशुधन प्रबंधन में सुधार करना, स्वास्थ्य के लिए हितकर आहार अर्थात शाकाहारी अथवा मांस और दूध उद्योग संबंधी घटकों की कम मात्रा वाला भोजन ग्रहण करना। अन्य उपाय जैसे कि ठोस अपशिष्टों का कुशल उपचार और निस्तारण करना, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग की ओर अग्रसर होना, मीथेन के उत्सर्जन पर वैश्विक करारोपण आरोपित करने का प्रावधान करना। इसमें अन्य सुर्खियों को देखने से पहले हम लोग यहाँ पर जो क्लाइमेट एंड क्लीनर कोलिशन है, ये जो संस्था है, इस संस्था के बारे में बात करें जिसको हिंदी में जलवायु एवं स्वच्छ वायु गठबंधन कहते हैं, तो वर्ष 2012 में बांग्लादेश, कनाडा, घाना, मैक्सिको, स्वीडन और संयुक्त राज्य की सरकारों ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप के साथ मिलकर के क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन का गठन किया था। ध्यान रखिएगा इसमें भारत नहीं शामिल था 2012 में। ठीक है, बांग्लादेश, कनाडा, घाना, मैक्सिको, स्वीडन और संयुक्त राज्य की सरकारों ने। इसके तहत अस्थायी जलवायु प्रदूषकों को एक तत्कालीन और सामूहिक चुनौती के रूप में देखने का प्रयास आरंभ हुआ। इस कोलिशन या संघ के सचिवालय की मेजबानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा की जाती है, यूनेप के द्वारा की जाती है। इसका उद्देश्य क्या है, वायु गुणवत्ता में सुधार करना और अस्थायी जलवायु प्रदूषकों को कम कर जलवायु की रक्षा करना। सदस्यता की बात करें तो यह विभिन्न देशों की सरकारों, अंतर सरकारी संगठनों, व्यापार संघों, वैज्ञानिक संस्थानों और नागरिक समाज संगठनों की एक स्वैच्छिक भागीदारी है। भारत भी इसका एक भागीदार देश है, मतलब 2012 में तो नहीं था, बाद में इसका सदस्य बनता है।
अब आगे कुछ अन्य जो सुर्खियाँ उनकी बात करते हैं, वैश्विक मीथेन पहल ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव के बारे में। तो हाल ही में भारत ने ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव स्टीयरिंग लीडरशिप मीटिंग की सह अध्यक्षता की। GMI अर्थात ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव सरकारों के बीच एक स्वैच्छिक और अनौपचारिक अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी है। यह विकसित और संक्रमणकारी अर्थव्यवस्थाओं वाले विकासशील देशों के बीच साझेदारी के माध्यम से मानव जनित मीथेन उत्सर्जन में वैश्विक गिरावट लाने के लिए स्थापित की गई है। इसे वर्ष 2004 में गठित किया गया था और 54 देश इसके सदस्य हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। मीथेन के बारे में बात करें तो मीथेन एक लघु अवधि वाला जलवायु प्रदूषक है, शॉर्ट लिव्ड लाइव क्लाइमेट पोल्यूटेंट है। वायुमंडल में इसकी विद्यमानता लगभग एक दशक तक बनी रहती है। मीथेन के स्रोत की बात करें तो प्राकृतिक स्रोतों में आर्द्रभूमि, अंतर्देशीय जल, भूवैज्ञानिक महासागर, दीमक, जंगली जानवर, परमाफ्रॉस्ट और वनस्पतियाँ हैं। मानव जनित में जीवाश्म ईंधन का उत्पादन और उपयोग, कृषि तथा अपशिष्ट इत्यादि हैं। मीथेन द्वारा धरातलीय ओजोन के निर्माण में योगदान दिया जाता है। जो कि एक खतरनाक वायु प्रदूषक है, जो ओजोन है आपका। वहीं मानव जनित मीथेन उत्सर्जन के कारण निर्मित धरातलीय ओजोन से विश्व में प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख लोगों की असामयिक मृत्यु होती है। यह पारिस्थितिक तंत्र और फसलों को हानि पहुंचाती है, जिसके कारण फसलों का विकास बाधित हो जाता है और उत्पादन में गिरावट आती है। मीथेन के संबंध में लघु वायुमंडलीय जीवन अवधि का अर्थ है कि यथासमय किसी कार्रवाई या संबंधित उपाय के माध्यम से वायुमंडल में इसकी मात्रा संकेंद्रण को तीव्रता से कम किया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप जलवायु परिवर्तन को प्रेरित करने वाले प्रभावी कारकों, पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में विकिरण संबंधी जो असंतुलन की स्थिति है, उन प्रभावी कारकों और ओजोन संबंधी प्रदूषण में भी तीव्रता से गिरावट आएगी। अब बात करते हैं अल्पकालिक या लघु अवधि वाले जलवायु प्रदूषकों, शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट के बारे में। जैसे कि एक मीथेन है, तो लघु अवधि वाले जलवायु प्रदूषक वस्तुतः जलवायु को प्रभावित करने वाली शक्तिशाली प्रदूषक होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ये प्रदूषक वायुमंडल में बहुत कम अवधि तक बने रहते हैं, परंतु इनकी वायुमंडल को गर्म करने की क्षमता कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कई गुना अधिक हो सकती है। कुछ अल्पकालिक जलवायु प्रदूषक खतरनाक वायु प्रदूषक भी होते हैं। इनका लोगों, पारिस्थितिक तंत्र और कृषि उत्पादकता पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद अल्पकालिक जलवायु प्रदूषक जैसे कि ब्लैक कार्बन, मीथेन, क्षोभ मंडली ओजोन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन मानव निर्मित वैश्विक ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे बड़े योगदान करता है। ये वर्तमान 45% ग्लोबल वार्मिंग के लिए यही जिम्मेदार हैं, जो मानव निर्मित वैश्विक ग्रीन हाउस गैसेस हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद पृथ्वी के तापमान में ब्लैक कार्बन दूसरा सबसे बड़ा योगदान करता है। अब बात करते हैं, भारत पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन प्रतिबद्धताओं से आगे बढ़ने हेतु तीव्र गति से अग्रसर है। तो देखिए सुर्खियों में, क्योंकि भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ऊर्जा संक्रमण संवाद 2021 में केंद्रीय विद्युत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने ऊर्जा संक्रमण में भारत द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियों को रेखांकित किया है। भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान की बात करें इंडियाज NDC के बारे में, तो देखिए भारत वर्ष 2030 तक विद्युत शक्ति की अपनी संस्थापित क्षमता का 40% गैर जीवाश्म ईंधन से प्राप्त करेगा। ये फैक्ट जो है इनको आपको जरूर याद रखना है। भारत वर्ष 2030 तक विद्युत शक्ति अपनी संस्थापित क्षमता का 40% गैर जीवाश्म ईंधन से प्राप्त करेगा। दूसरा, वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता में वर्ष 2020 तक 20-25% और 2030 तक 33-35% तक की कमी करने का या कमी लाने का प्रयास करेगा। भारत अतिरिक्त वनारोपण और वृक्षारोपण के माध्यम से 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य अतिरिक्त कार्बन सिंक का निर्माण करेगा। भारत द्वारा अब तक प्राप्त की गई उपलब्धियों की बात करें तो भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 100 गीगावाट की संस्थापित क्षमता के माध्यम से महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है या अर्जित की है। भारत की 38.5 संस्थापित ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित है। ज्ञातव्य है कि वैश्विक स्तर पर संस्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत का जो है वो 4th स्थान है और सौर ऊर्जा की संस्थापित क्षमता में भारत का 5वां स्थान है। ध्यान रखिएगा, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के मामले में, संस्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत का 4th है, जबकि सौर ऊर्जा की संस्थापित क्षमता के मामले में भारत का 5वां स्थान है। उल्लेखनीय है कि भारत द्वारा अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों NDC के अंतर्गत प्रतिबद्ध वर्ष 2005 के स्तर पर वर्ष 2030 तक 35% के उत्सर्जन कटौती लक्ष्य के मुकाबले 28% के उत्सर्जन कटौती लक्ष्य को पहले ही प्राप्त कर लिया गया है।
संबंधित तथ्य की बात करें तो केवल 110 देश जो पेरिस समझौते के पक्षकार हैं ऐसे हैं जिन्होंने अपने कार्बन उत्सर्जन को सीमित करने के लिए अपडेटेड एनडीसी अर्थात राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों को प्रस्तुत किए हैं। चीन और भारत संयुक्त राष्ट्र की समय सीमा से चूक गए हैं। आगे चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय एवं पहल इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड इनिशिएटिव के बारे में। तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं COP26 के बारे में। हाल ही में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC के 26वें कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज का आयोजन यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो में संपन्न हुआ। तो ध्यान रखिएगा COP26 का आयोजन कहाँ पे हुआ है, यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो में। अन्य संबंधित फैक्टरों की बात करें तो इस सम्मेलन में कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज क्योटो प्रोटोकॉल के पक्षकारों की बैठक की सोलहवां सत्र जो है और पेरिस समझौते CAACMA3 के लिए पक्षकारों की बैठक के रूप में कार्य करने वाले कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज का तीसरा सत्र भी शामिल था। COP26 सम्मेलन का उद्देश्य पेरिस नियम पुस्तिका पेरिस रूल बुक के को अंतिम रूप देना है। मैड्रिड में वर्ष 2019 में आयोजित COP25 शिखर सम्मेलन से इस नियम पुस्तिका में संबंधित कई मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई थी, इसलिए संयुक्त राष्ट्र जलवायु प्रक्रिया के नियम 16 के तहत इस पर सहमत के लिए इसे अगले वर्ष अर्थात COP26 के लिए अग्रसित कर दिया गया था। यह सम्मेलन UNFCCC के सभी 197 पक्षकारों के ग्लासगो जलवायु समझौता पर सहमत के साथ संपन्न हुआ। यह एक वैश्विक समझौता है जो इस दशक में जलवायु संबंधी कार्रवाई में तेजी लाएगा और पेरिस नियम पुस्तिका को पूरा करेगा। इस समझौते का उद्देश्य वर्ष 2030 तक ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना है। यह लक्ष्य वर्ष 2015 के पेरिस समझौते के तहत सहमत हुआ गया था इस लक्ष्य के लिए। देखिए साथ ही वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वर्ष 2030 तक 45% की या 45% की कटौती और वर्ष 2050 तक समग्र रूप से शून्य उत्सर्जन स्तर को प्राप्त करना है। यहाँ पर हम कुछ और चीज़ों को देखें। पहले COP26 के जो अभिष्ट लक्षण हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो पहला है निवल शून्य तथा 1.5 डिग्री। देखिए पक्षकार देशों से यह आह्वान किया गया है कि वह वर्ष 2050 तक निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करें तथा वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम बनाए रखने का प्रयास करें। वित्त पोषण जुटाना, विकसित देशों से यह कहा गया है कि वह जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए अपेक्षाकृत निर्धन देशों हेतु किए जाने वाले वित्त पोषण के लिए प्रतिवर्ष $100 बिलियन जुटाएं, जो विकसित देश हैं। पारिस्थितिकी तथा पर्यावास की रक्षा करना, देशों को प्रोत्साहित किया जाता है कि पारिस्थितिकी तंत्रों की रक्षा करें और उनको बहाल करें तथा जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए मजबूत एवं लचीली अवसंरचना का निर्माण करें। सहयोग, COP26 में विभिन्न पक्षकारों को पेरिस समझौते के नियमों को निर्धारित करने वाले पक्षकारों की नियमावली को अंतिम रूप देने के लिए सहयोग करने की आवश्यकता है। आगे चलते हैं इसमें COP26 के मुख्य निष्कर्षों की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं महत्वाकांक्षा की। इसमें महत्वपूर्ण निर्णय और प्रगति क्या हुई है। COP26 के समापन तक 153 देशों ने वर्ष 2030 तक अपने उत्सर्जन को कम करने के लिए नई जलवायु योजनाएं, इसे राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान या एनडीसीएस के रूप में जाना जाता है, प्रस्तुत की। कितने 153 देशों ने। देशों से वर्ष 2022 के अंत तक जलवायु संबंधी अपनी प्रतिबद्धता पर फिर से विचार करने, उन्हें मजबूत करने के लिए या करने का अनुरोध किया गया है। आगे बात करते हैं जीवाश्म ईंधन के विरुद्ध लक्षित कार्रवाई की। तो इस COP26 के तहत पहली बार जीवाश्म ईंधन के विरुद्ध कार्रवाई को स्पष्ट रूप से लक्षित करने हेतु निर्णय लिया गया है। इसके तहत कार्बन कैप्चर और संचयन के बिना दहन किए जा रहे कोयले के उपयोग को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने और अकुशल जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को भी चरणबद्ध रूप से समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। तो क्या निर्णय लिया गया, इसके तहत कार्बन कैप्चर और संचयन के बिना दहन किए जा रहे कोयले के उपयोग को चरणबद्ध रूप से समाप्त करना और अकुशल जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को भी चरणबद्ध रूप से समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त अनुकूलन के संबंध में क्या है, तो देशों से वर्ष 2025 तक वर्ष 2019 के स्तर से अनुकूलन हेतु जलवायु वित्त के अपने सामूहिक प्रावधान को कम से कम दोगुना करने का आग्रह किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के अनुकूलन निधि के लिए $356 मिलियन की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है, जो इस निधि के लिए सबसे अधिक एकल रूप से जुटाई गई निधि थी।
इस निधि का लाभ यह है कि यह विशेष रूप से अनुकूलन संबंधी योजनाओं परियोजनाओं पर केंद्रित है। साथ ही यह गरीब देशों को ऋण प्रदान करने के बजाय 100% अनुदान पर आधारित है, ग्रांट देती है, ठीक है, ऋण नहीं देती है। अनुकूलन संबंधी वैश्विक लक्ष्य पर, देखिए ऋण में क्या होता है, वापस करना होता है, पर ग्रांट वापस नहीं करना होता है। अनुकूलन संबंधी वैश्विक लक्ष्य पर शर्म अल शेख कार्यक्रम, अनुकूलन संबंधी वैश्विक लक्ष्य पर इसका लक्ष्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के संबंध में सुभेदता को कम करना, लचीलेपन को मजबूत करना और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से अनुकूलित होने में लोगों और हमारे ग्रह की क्षमता को बढ़ाना है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 6 के तहत अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजार की। अनुच्छेद 6 जिसमें पेरिस समझौते के बाजार और गैर बाजार आधारित तंत्र शामिल हैं को अंतिम रूप दिया गया है। इस अनुच्छेद के संबंध में प्रमुख निर्णयों में शामिल क्या है, वर्ष 2013 से क्योटो प्रोटोकॉल के तहत सृजित कार्बन क्रेडिट जो है इसमें 320 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य की राशि है। ये तो देखिए इसके तहत सृजित कार्बन क्रेडिट को आगे बढ़ाते हुए पेरिस तंत्र में अग्रेषित कैरिड ओवर किया जाएगा, लेकिन वर्ष 2030 तक इसका उपयोग करना होगा। दूसरा पारंपरिक बाजार तंत्र अनुच्छेद 6.4 के तहत आय के 5% का उपयोग अनिवार्य रूप से अनुकूलन संबंधी गतिविधियों के वित्त पोषण किया जाना चाहिए। देशों के मध्य कार्बन क्रेडिट के द्विपक्षीय व्यापार के तहत अनुकूलन के लिए धन का योगदान स्वैच्छिक है अनुच्छेद 6.2 के तहत। वहीं दोहरी गणना से बचना, जिसमें एक से अधिक देश अपनी जलवायु संबंधी प्रतिबद्धताओं की गणना के तहत उत्सर्जन में एक ही कमी पर समान रूप से दावा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त RED+ नामक संयुक्त राष्ट्र योजना के तहत निर्वनीकरण और वन निम्नीकरण में कमी से वर्ष 2015 और वर्ष 2012 के दौरान ऐतिहासिक सॉरी 2015 और 2021 के दौरान ठीक है ये 2015 है और 2021 है के दौरान ऐतिहासिक रूप से सृजित कार्बन क्रेडिट के उपयोग का बहिष्कार किया गया है। आगे बात करते हैं हानि और क्षति के बारे में, देखें तो हानि और क्षति हेतु वित्त पोषण के लिए ग्लासगो डायलॉग का सृजन किया गया है। विकसित देशों ने UNFCCC द्वारा स्थापित एक वेबसाइट सेंटियागो नेटवर्क का समर्थन करने के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की है। इस वेबसाइट पर विकास बैंकों जैसे संगठनों के लिंक मौजूद हैं जो हानि और क्षति के संबंध में सहायता प्रदान कर सकते हैं। आगे देखते हैं जलवायु कार्रवाई और समर्थन संबंधी पारदर्शिता पर नियम के बारे में, तो सभी देश प्रारूपों और तालिकाओं के एक साझा और मानकीकृत समुच्चय का उपयोग करके अपने उत्सर्जन और वित्तीय तकनीकी एवं क्षमता निर्माण संबंधी समर्थन के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने पर सहमत हुए हैं। साझा समय सीमा, देशों को उनकी राष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताओं के लिए साझा समय सीमा का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। इसका आशय है कि देशों द्वारा वर्ष 2025 में प्रस्तुत की जाने वाली NDC के लिए समाप्ति तिथि वर्ष 2035 तथा वर्ष 2030 में प्रस्तुत की जाने वाली प्रतिबद्धताओं के लिए समाप्ति तिथि वर्ष 2040 होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं जलवायु परिवर्तन वार्ता संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावलियां या जो पद हैं। हानि और क्षति क्या होती है, देखिए यह जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को संदर्भित करता है जिसे अनुकूलित नहीं कह सकता, और इसके तहत हानि स्थायी प्रकृति की होती है। इसमें समुद्र के जल स्तर और तापमान में वृद्धि जैसी मंद गति से आरंभ होने वाली प्रक्रियाओं और बाढ़ तूफान और उष्णकटिबंधीय चक्रवात जैसी चरम मौसमी घटनाओं को शामिल किया गया है। अनुच्छेद 6 के तहत बाजार और गैर बाजार आधारित तंत्र हैं। इसमें महत्वाकांक्षा बढ़ाने के व्यापक उद्देश्य के साथ जलवायु संबंधी लक्ष्यों की दिशा में स्वैच्छिक सहयोग के लिए 3 अलग अलग तंत्र शामिल हैं। इसमें से 2 तंत्र बाजारों पर आधारित है जबकि तीसरा गैर बाजार दृष्टिकोण पर आधारित है। अनुच्छेद 6.2 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार समान परिणामों के माध्यम से द्विपक्षीय सहयोग को अभिशासित करना है। इन परिणामों में कार्बन डाइऑक्साइड के मामले में प्रति टन या नवीकरणीय विद्युत के मामले में किलोवाट घंटे की माप पी गई उत्सर्जन कटौती शामिल हो सकती है। उदाहरण के लिए इसके तहत देश अपनी उत्सर्जन व्यापार योजनाओं को जोड़ सकते हैं या अपने राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों की पूर्ति के लिए ऑफसेट खरीद सकते हैं। अनुच्छेद 6.4 यह विश्व में कहीं भी सार्वजनिक या निजी क्षेत्र द्वारा उत्सर्जन में कटौती से संबंधित कार्बन के व्यापार हेतु एक नए अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजार के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेगी जिसे सतत विकास तंत्र के रूप में भी जाना जाता है। अनुच्छेद 6.8 उन देशों के बीच जहां किसी प्रकार कार्बन व्यापार शामिल नहीं है तो उन देशों के बीच जलवायु सहयोग के लिए एक औपचारिक ढांचा प्रदान करता है जैसे कि विकास संबंधी सहायता। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC के बारे में, इन्वाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज।
तो यदि इसकी उत्पत्ति की बात करें तो यह एक अंतर सरकारी संधि के रूप में वर्ष 1992 में स्थापित किया गया और वर्ष 1994 में लागू हुई। तो ध्यान रखिए 92 में स्थापित होता है, 94 कब मतलब लागू कब होता है, तो ये लागू होता है 1994 से। UNFCCC को रियो अभिसमय या रियो कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। यह वर्ष 1992 के रियो पृथ्वी सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किए गए 3 अभिसमयों में से एक था। रियो कन्वेंशन की उत्पत्ति पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCED से हुई। UNCED को पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, जिसका आयोजन वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में किया गया था। रियो कन्वेंशन के तहत आने वाले अन्य दो अभिसमयों के नाम क्या हैं? 3 अभिसमय लाए गए थे, एक तो आपने देखा UNFCCC था, एक था जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय और तीसरा था मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय। UNCBD और UNCCD, इसका उद्देश्य क्या है? वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस सांद्रता को उस स्तर पर स्थिर करना है जो जलवायु प्रणाली के साथ खतरनाक मानवजनित हस्तक्षेप को रोक सके। इसे ऐसी समय सीमा के भीतर किया जाना है ताकि पारिस्थितिकी तंत्र को जलवायु परिवर्तन के लिए स्वाभाविक रूप से अनुकूलित होने का पर्याप्त समय मिल सके। यह सुनिश्चित करना है कि खाद्य उत्पादन को खतरा नहीं है, आर्थिक विकास को स्थायी रूप से आगे बढ़ाने में सक्षम बनाना है। UNCCC का सचिवालय कहाँ है? जर्मनी के बॉन में। इसका सचिवालय तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करता है, साथ ही यह पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई जलवायु परिवर्तन की जानकारी के विश्लेषण और समीक्षा तक क्योटो तंत्र के कार्यान्वयन में सहायता करता है। UNFCCC का सचिवालय संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा है। यह पेरिस समझौते के तहत स्थापित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDC के लिए रजिस्ट्री का रखरखाव भी करता है। सदस्यता की बात करें तो इसकी सदस्यता लगभग सार्वभौमिक है। कन्वेंशन की पुष्टि करने वाले 197 देशों को कन्वेंशन का पक्षकार पार्टीज कहा जाता है और भारत इसका सदस्य है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो इस कन्वेंशन के तहत स्थापित जो प्रमुख समझौता है वो है क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस जलवायु समझौता। देखिए UNFCCC का परिचालन तंत्र के बारे में बात करें तो देखिए पहला इसमें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कॉप, यह UNFCCC का शीर्ष निर्णय निर्माणकारी निकाय है। इस कन्वेंशन के सभी पक्षकारों का प्रतिनिधित्व कॉप में है। सामान्यतः इसकी बैठक प्रतिवर्ष होती है जब तक कि कॉप द्वारा इसमें कोई परिवर्तन न किया जाए। अगला है कॉप क्योटो प्रोटोकॉल के पक्षकारों की बैठक CMP के रूप में भी कार्य करता है या क्योटो प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन की निगरानी करता है और इसके प्रभावी परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए निर्णय लेता है। CMP में क्योटो प्रोटोकॉल के पक्षकार सभी देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं जबकि गैर पक्षकार देश इसमें पर्यवेक्षक के रूप में भाग लेते हैं। कॉप पेरिस समझौतों के पक्षकारों की बैठक CMP के रूप में कार्य करता है। देखिए यह पेरिस समझौते के कार्यान्वयन की निगरानी करता है और इसके प्रभावी क्रियान्वयन को बढ़ावा देने के लिए निर्णय लेता है। CAMP पक्षकारों की जो बैठक है इसमें पेरिस समझौते के पक्षकारों सभी देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं जबकि गैर पक्षकार देश इसमें पर्यवेक्षक के रूप में पार्टिसिपेट करते हैं। आगे चलते हैं COP26 वार्ता के दौरान आरंभ की गई स्वैच्छिक प्रतिबद्धताएं घोषणाएं एवं एजेंडा के बारे में। तो जो घोषणा है उसका नाम क्या है? निर्णायक एजेंडा, ब्रेक थ्रू एजेंडा। यह वर्ष 2030 से पूर्व तक विश्व स्तर पर प्रत्येक उत्सर्जन क्षेत्र जैसे विद्युत, सड़क, परिवहन, इस्पात, कृषि आदि में स्वच्छ प्रौद्योगिकियों और संधारणीय समाधानों को सबसे किफ़ायती, सुलभ और आकर्षक विकल्प बनाने के लिए मिलकर काम करने हेतु देशों को प्रतिबद्ध करता है। भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता बिल्कुल है। वहीं वैश्विक मीथेन प्रतिबद्धता, तो देखिए यह एक स्वैच्छिक गैर बाध्यकारी समझौता है। क्या है? गैर बाध्यकारी समझौता है। इसके तहत हस्ताक्षरकर्ता देशों ने वर्ष 2030 तक अपने मीथेन उत्सर्जन में कम से कम 30% की कटौती करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ठीक है, 2030 तक। और ध्यान रहे कि भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता देश नहीं है। ठीक है, तो भारत के लिए ऐसा कोई भी लक्ष्य निर्धारित नहीं है। वन और भूमि उपयोग पर ग्लासगो बैठक में शामिल नेताओं की घोषणा, समावेशी ग्रामीण रूपांतरण को बढ़ावा और सतत विकास सुनिश्चित करते हुए वर्ष 2030 तक निर्वनीकरण और भू निम्नीकरण को रोकने और वन एवं भूमि का पुनरुत्थार करने के लिए सामूहिक रूप से काम करने हेतु प्रतिबद्ध देशों के बीच स्वैच्छिक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता देश नहीं है। वहीं वन, कृषि और वस्तु व्यापार, फॉरेस्ट एग्रीकल्चर एंड कम्युनिटी ट्रेड FACT विवरण, देखिए इसका उद्देश्य संयुक्त रूप से यूके
और इंडोनेशिया द्वारा किया गया था इसका नेतृत्व जो है। इसका उद्देश्य वस्तु उत्पादन और उपभोग करने वाले देशों के बीच संधारणीय व्यापार का समर्थन करना है। अगला है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पॉलिसी एक्शन एजेंडा फॉर द ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और ग्लोबल एक्शन एजेंडा फॉर इनोवेशन इन एग्रीकल्चर। इसके तहत हस्ताक्षरकर्ता प्रकृति का संरक्षण करने हेतु तत्काल कार्रवाई और निवेश करने के साथ साथ कृषि में अधिक संधारणीय तरीकों को अपनाने हेतु सहमत हुए हैं। यह नीतिगत कार्रवाई एजेंडा के एजेंडा कुछ मार्गों और कार्रवाइयों को निर्धारित करता है। इनको देश इन परिणामों को साकार करने और एक न्यायपूर्ण ग्रामीण बदलाव को सक्षम करने के लिए सार्वजनिक नीतियों और खाद्य एवं कृषि को समर्थन देने के लिए अपना सकते हैं। वैश्विक कार्रवाई एजेंडा को विश्व बैंक WWF विश्व खाद्य कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन फाउंडेशन कोलंबिया क्लाइमेट स्कूल वायर रेनफॉरेस्ट अलायंस विश्व आर्थिक मंच एशियन डेवलपमेंट बैंक यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट आदि का समर्थन प्राप्त है। भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता देश नहीं है। 100% शून्य उत्सर्जन करने के लिए करने वाली कारों और बैन की दिशा में प्रगति हेतु तेजी लाने की घोषणा। सरकारों ऑटोमोटिव निर्माताओं वित्तीय संस्थानों और नागरिक समाज संगठनों के बीच गैर बाध्यकारी समझौता है यह। इसका लक्ष्य वैश्विक स्तर पर वर्ष 2040 प्रमुख बाजारों में 2035 से पहले तक यह सुनिश्चित करना है कि सभी बिकने वाली नई कारें और वैन हैं ये शून्य उत्सर्जन करने वाली हों। भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता देश है। वहीं आगे देखते हैं बियॉन्ड ऑयल एंड गैस अलायंस BOGA इसके नेतृत्वकर्ता कौन है? डेनमार्क और कोस्टा रिका की सरकारें। यह सरकारों और हितधारकों का एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है। यह तेल और गैस के उत्पादन को प्रबंधित आधार पर चरणबद्ध रूप से समाप्त करने को सुविधाजनक बनाने के लिए मिलकर काम कर रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय जलवायु संवादों में तेल और गैस उत्पादन की चरणबद्ध समाप्ति के मुद्दे को आगे बढ़ाना, कार्रवाई और प्रतिबद्धताओं को जुटाना तथा इस मुद्दे का समर्थन करने हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का निर्माण करना है। तो यहाँ पर ये इसका हस्ताक्षरकर्ता देश भारत नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर के लिए क्लाइंट बैंक घोषणा पत्र। विश्व के 22 देशों के गठबंधन द्वारा वैश्विक समुद्री उद्योग में डीकार्बनाइजेशन को गति प्रदान करने के लिए बंदरगाहों के मध्य शून्य उत्सर्जन पोत परिवहन व्यापार मार्गों को सृजित करने पर सहमत व्यक्त की गई है। हस्ताक्षरकर्ता देशों द्वारा ग्लासगो में COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन में प्रस्तुत ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर्स के लिए क्लाइंट बैंक घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके तहत वर्ष 2025 तक कम से कम 6 हरित गलियारों पोत परिवहन मार्गों की स्थापना का समर्थन करने के प्रति सहमति व्यक्त की गई है। हरित गलियारों या ग्रीन कॉरिडोर को 2 प्रमुख बंदरगाह केंद्रों के बीच पोत परिवहन मार्ग के रूप में परिभाषित किया गया है, जिस पर सार्वजनिक और निजी प्रयासों द्वारा शून्य उत्सर्जन करने वाले पोतों से संबंधित तकनीकी, आर्थिक और विनियामकी व्यवहारताओं को तीव्रता से लागू किया जाता है। शिपिंग क्षेत्र के कारण होने वाले प्रदूषण के प्रकार क्या हैं? देखिए, इसमें तेल रिसाव, यहाँ पहले ध्यान रखिएगा कि भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता देश नहीं है। तेल रिसाव के परिणामस्वरूप खतरनाक रसायनों का समुद्र प्रवेश, ध्वनि प्रदूषण समुद्री जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। वहीं ब्लास्ट वाटर के रिसाव के परिणामस्वरूप महासागरों में आक्रामक प्रजातियों की घुसपैठ होती है। आगे बात करते हैं पंचामृत की। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री ने ग्लासगो में UNFCCC के COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में भारत की जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना अर्थात पंचामृत को प्रस्तुत किया है। पंचामृत है क्या? तो पंचामृत ग्लासगो में आयोजित COP26 में भारत की जलवायु संबंधी प्रतिबद्धता है। ये फैक्ट याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। पहला इसमें पंचामृत में वर्ष 2070 तक निवल शून्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना। दूसरा 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा की क्षमता को बढ़ा करके 500 गीगावाट करना है। वहीं 2030 तक अपनी 50% ऊर्जा आवश्यकताओं को नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से पूरा करना है। अभी से लेकर के 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी करना है। वहीं 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को घटा करके 45% से कम करना है। ठीक है, आगे देखते हैं COP26 के द्वारा शुरू की गई जो पहले हैं या मेजर इनिशिएटिव लॉन्च ड्यूरिंग COP26 है, इसमें आपका है पहला वैश्विक लचीलापन सूचकांक पहल ग्लोबल रिजिलियंस इंडेक्स इनिशिएटिव। देखिए, इसका शुभारंभ जो है 10 वैश्विक संगठनों के द्वारा किया गया है। इस
ग्लोबल रिजिलियंस इंडेक्स इनिशिएटिव के भागीदार कौन है? बीबा विकास मंच, IDF, जलवायु प्रत्यास्त निवेश संघ गठबंधन, आपदा प्रत्यास्त अवसंरचना गठबंधन, GEM फाउंडेशन, UK सेंटर फॉर ग्रीनिंग फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट और संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय। ये जो गिरी है, गिरी अर्थात आप, ये आपका ग्लोबल रिजिलियंस इंडेक्स इनिशिएटिव, इसके लक्ष्य क्या है? तो पहला, बीमा जोखिम मॉडलिंग सिद्धांतों पर निर्मित मैट्रिक्स का उपयोग करके वैश्विक स्तर पर ओपन रेफरेंस जोखिम डेटा प्रदान करना। दूसरा, निम्नलिखित उपयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए उपयुक्त साझा मानक और सुविधाएं प्रदान करना। इसमें जलवायु, कॉर्पोरेट जलवायु जोखिम प्रकटीकरण हेतु, दूसरा राष्ट्रीय अनुकूलन योजना और रिपोर्टिंग हेतु, तीसरा पूर्व निर्धारित ह्यूमैनिटेरियन फाइनेंस हेतु। यहाँ पर अब बात करते हैं आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन CDRI की। तो इसकी उत्पत्ति वर्ष 2019 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन के दौरान भारत द्वारा शुरू की गई थी। तो आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन किसके द्वारा शुरू किया गया था? भारत के द्वारा 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन कार्रवाई शिखर सम्मेलन के दौरान। उद्देश्य क्या है? सतत विकास का समर्थन करते हुए जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम के दुष्प्रभावों को सहने में सक्षम नई और मौजूदा बुनियादी ढांचा प्रणाली को अनुकूल बनाना है। सदस्यता, यह अलग अलग देशों, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों, बहुपक्षीय विकास बैंकों और वित्त पोषण संस्थाओं, निजी क्षेत्र को और नॉलेज बेस्ड संस्थानों के मध्य एक साझेदारी है। भारत इसका सदस्य, क्योंकि भारत ने इसे इनिशिएट किया था। आगे बात करते हैं नेट जीरो के लिए ग्लासगो वित्तीय गठबंधन। देखिए इसे शॉर्ट में आप क्या कह सकते हैं, GFANZ, ग्लासगो फाइनेंशियल अलायंस फॉर नेट जीरो। देखिए UN, इसे UNFCCC के क्लाइमेट एक्शन चैंपियन ऑफ COP26 प्रेसिडेंसी के साथ संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई और वित्त के लिए विशेष दूत द्वारा लॉन्च किया गया था। यह जो नेट जीरो के लिए ग्लासगो वित्तीय गठबंधन है, इसको मूल रूप से अप्रैल 2021 में प्रस्तुत किया गया था। इसे अग्रणी वित्तीय संस्थानों के लिए एक मंच के रूप में स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य पेरिस समझौते के अनुरूप अर्थव्यवस्था के विकार्बनीकरण के माध्यम से शुद्ध शून्य नेट जीरो उत्सर्जन वाली वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्राप्त करने के प्रयासों में तेजी लाना है। नेट जीरो का उद्देश्य वर्ष 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना है 2050 तक, जबकि भारत का लक्ष्य कब तक है? 2070 तक है। इसका लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र के रेस टू जीरो अभियान के अनुरूप है। रेस टू जीरो संयुक्त राष्ट्र का अभियान है। यह वर्ष 2030 तक वैश्विक उत्सर्जन को आधा करने के लिए कठोर और तत्काल कार्रवाई करने हेतु कंपनियों, शहरों, क्षेत्रों, वित्तीय तथा शैक्षणिक संस्थानों सहित गैर राज्य अभिकर्ताओं को एक जुट करता है। GFANZ के तहत सदस्यों के रूप में नेट जीरो बैंकिंग्स अलायंस, नेट जीरो एसेट मैनेजर्स इनिशिएटिव, नेट जीरो एसेट ओनर्स अलायंस, नेट जीरो इंश्योरेंस अलायंस, नेट जीरो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स अलायंस आदि शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम वित्त पहल UNEP-FI फाइनेंशियल इनिशिएटिव द्वारा आयोजित किया गया है। ठीक है, किया गया नेट जीरो बैंकिंग अलायंस नवीनतम नेट जीरो गठबंधन है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम वित्त पहल द्वारा आयोजित किया गया नेट जीरो बैंकिंग अलायंस नवीनतम नेट जीरो गठबंधन है। अन्य नेट जीरो गठबंधनों में शामिल क्या है? नेट जीरो एसेट मैनेजर्स इनिशिएटिव और UN आयोजित नेट जीरो एसेट ओनर अलायंस इत्यादि। इससे पहले वर्ष 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपनी उत्तरदायी बैंकिंग सिद्धांतों को भी लॉन्च किया था। इसके तहत बैंक स्थायी प्रथाओं को प्रोत्साहित करने के लिए अपने ग्राहकों के साथ कार्य करने और व्यावसायिक रणनीतियों को संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के साथ संरेखित करने हेतु सहमत हुए थे। छोटे द्वीपीय देशों के लिए प्रत्यास्थ आधारभूत संरचना की बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिजिलिएंट आइलैंड स्टेट IRIS के बारे में, तो देखिए भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और फिजी और जमैका ने इसको शुभारंभ किया, तो महत्वपूर्ण है, इसको जरूर याद रखिएगा। छोटे द्वीपीय देशों के लिए प्रत्यास्थ आधारभूत संरचना, इसको शुभारंभ किसने किया? भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, फिजी और जमैका, 5 देशों ने, जिसमें भारत शामिल है। यह सदस्य देशों और संगठनों और छोटे द्वीपीय विकासशील देशों SIDS के प्रतिनिधियों के समर्थन से आपदा प्रत्यास्थ अवसंरचना गठबंधन CDRI द्वारा सहनिर्मित किया गया है। यह एक समर्पित पहल है जो अवसंरचना प्रणालियों द्वारा प्रस्तुत बहुआयामी मुद्दों पर तकनीकी सहायता प्रदान करेगी। यह SIDS में अवसंरचना संबंधी परिसंपत्तियों की आपदा और जलवायु के प्रति लचीलापन को बढ़ावा देगी। साथ ही यह विशिष्ट अवसंरचना
क्षेत्रों को लक्षित करते हुए नवीनतम ज्ञान और लर्निंग को भी साझा करेगी। समोआ पाथवे में योगदान करते हुए आईआरआईएस ने अर्थात छोटी द्वीपीय देशों के लिए प्रत्यास्थ आधारभूत संरचना ने तीन अंतर्निहित परिणाम सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा है। कौन कौन सा? पहला है जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम के लिए SIDS की अवसंरचना संबंधी प्रत्यास्था रेजिलियंस में सुधार करना। दूसरा, SIDS की अवसंरचना में प्रत्यास्था को एकीकृत करने के लिए ज्ञान और भागीदारी को मजबूत करना। तीसरा, प्रत्यास्थ SIDS अवसंरचना के माध्यम से लैंगिक समानता और दिव्यांगता के समावेशन को बढ़ावा देना है। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा SIDS क्या है। यह छोटे द्वीपीय विकासशील देशों का एक संगठन है। देखिए SIDS में SIDS में कैरेबियाई प्रशांत अटलांटिक हिंद महासागर भूमध्य सागरी और दक्षिण चीन सागर क्षेत्रों में देश को शामिल किया गया है। ये देश भूभौतिकी और जल मौसम विज्ञान हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल संबंधी खतरों के लिए सबसे अधिक संवेदनशील हैं। SIDS उन दो तिहाई देशों को प्रस्तुत करता है जिनका आपदाओं के कारण अपेक्षाकृत सबसे अधिक नुकसान होता है। वहीं ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड परियोजना के बारे में बात करें तो यह COP26 प्रेसिडेंसी, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, विश्व बैंक, यूनाइटेड किंगडम और ब्लिंटन पार्क के साथ साझेदारी में भारत द्वारा इस OSOWOG पहल के लिए एक बहुस्तरीय संवाद था। वन वर्ल्ड वन ग्रिड प्रोजेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। यह जो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड है, यह परस्पर संबद्ध नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का एक वैश्विक परितंत्र सृजित करने हेतु भारत की एक पहल है। यह जो है 140 देशों को एक साझा ग्रिड के माध्यम से जोड़ती है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की मूल योजना को विश्व बैंक के तकनीकी सहायता कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया है। इस योजना को ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सौर संस्थापनों के परिनियोजन में तीव्रता सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वित किया गया है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल के पीछे की परिकल्पना सूर्य कभी अस्त नहीं होता, द सन नेवर सेट है, क्योंकि सूर्य एक दिए गए समय में विश्व स्तर पर किसी न किसी भौगोलिक स्थान पर उदयमान रहता है। योजना के कार्यान्वयन को तीन प्रमुख चरणों में विभाजित किया गया है। पहला है एशियाई महाद्वीप में परस्पर संपर्क सुनिश्चित करना। दूसरा, कार्यरत प्रथम चरण को अफ्रीका में नवीकरणीय संसाधनों के समुच्चय से जोड़ता है। कार्यरत प्रथम चरण चरण तीन क्या है? का लक्ष्य वैश्विक अंतर संबंध की प्राप्ति करना है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का जो महत्व क्या है? प्रौद्योगिकी, वित्त और कौशल का उपयोग करके नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में प्रभावी निवेश आकर्षित करने के लिए अपने सभी सहभागी निकायों की सहायता करना है। वैश्विक सहयोग से अनुसंधान एवं विकास केंद्रों को प्राप्त होने वाले निवेश में वृद्धि होगी। अन्य इनिशिएटिव जो है उसकी बात करते हैं इससे संबंधित, तो ई अमृत पोर्टल, इसे भारत द्वारा ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में COP26 शिखर सम्मेलन द्वारा लॉन्च किया गया था। ध्यान रखिएगा ई अमृत पोर्टल ग्लासगो में इसको लॉन्च किया गया था। ई अमृत इलेक्ट्रिक वाहनों पर एक वेब पोर्टल है। यह इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे में सभी सूचनाओं के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के बारे में मिथकों को समाप्त करना और इलेक्ट्रिक वाहनों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकारों की पहलों के पूरक के रूप में कार्य करना है। इस पोर्टल को नीति आयोग द्वारा यूके सरकार के सहयोगात्मक ज्ञान आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत और यूके भारत संयुक्त रोड मैप 2030 के भाग के रूप में विकसित एवं होस्ट किया गया है। COP26 चार्टर ऑफ एक्शन के बारे में बात करें तो इसे ग्लासगो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से पहले द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी द्वारा आरंभ किया गया था। इसमें भारत के लिए प्रमुख विषयों जैसे कि इक्विटी, हरित वित्त अनुकूलन और प्रत्यास्थ, प्रकृति आधारित समाधान, ऊर्जा, स्वस्थ परिवहन तथा व्यापार तथा उद्योग से संबंधित प्रश्नों और चुनौतियों को शामिल किया गया है। ग्लोबल लैंडस्केप फोरम क्लाइमेट हाइब्रिड कॉन्फ्रेंस के बारे में GLF क्लाइमेट 2021, इस कार्यक्रम का आयोजन टीएमजी थिंक टैंक फॉर सस्टेनेबिलिटी, जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट और अन्यों द्वारा किया गया था। इस कार्यक्रम का आयोजन ग्लोबल लैंडस्केप फोरम क्लाइमेट हाइब्रिड फोरम कॉन्फ्रेंस, देखिए इसने इस तथ्य को रेखांकित किया है कि रेगिस्तानी टिड्डियों का प्रकोप जलवायु परिवर्तन से निकटता से जुड़ा हुआ है।
टीएमजी ने निम्नलिखित उपायों सहित एक आदर्श बदलाव का आह्वान किया है। एक कारगर प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली होनी चाहिए। वास्तविक लागत रेखांकन के माध्यम से पर्यावरण और मानवीय लागतों की गणना करना। एक कुशल गवर्नेंस मॉडल विकसित करना है। अगला है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए किए गए किगाली संशोधन के बारे में। तो ध्यान रखिएगा किगाली संशोधन किस संबंधित है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से। सुर्खियों में क्यों रहा है, क्योंकि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किए गए किगाली संशोधन के अनुसमर्थन को अनुमोदित कर दिया, रेक्टिफाई कर दिया है। ओजोन परत इसका क्षरण और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में बात करें तो देखिए यह एक बहुपक्षीय पर्यावरणीय समझौता है जो लगभग उन 100 मानव निर्मित रसायनों के उत्पादन और खपत को नियंत्रित करता है जिन्हें ओजोन क्षयकारी पदार्थ ODS कहा जाता है। इसे वर्ष 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 1987 में अंगीकृत किया गया था और वर्ष 1989 में लागू होता है 2 साल बाद, और भारत इसका सदस्य है। यह संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र संधि जिसकी पुष्टि संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों द्वारा की गई है। यह ओजोन का क्षरण करने वाले अधिकांश रसायनों के उपयोग और उत्पादन को चरणबद्ध ढंग से समाप्त कर ओजोन परत का संरक्षण करने के लिए विशिष्ट कार्यों का आह्वान करता है। इसके तहत एक तरफ जहां विकासशील और विकसित देशों के लिए समान लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व है, वहीं दूसरी ओर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों समूहों के देशों के लिए बाध्यकारी समय लक्षित और मापन योग्य प्रतिबद्धताएं भी, मतलब ये एक प्रकार का बाध्यकारी जो है कन्वेंशन है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने एक बहुपक्षीय कोष के अंगीकरण का मार्ग प्रशस्त किया है। इस कोष का उद्देश्य विकासशील देशों की इस प्रोटोकॉल के क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करना है। वर्ष 1990 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पक्षकारों के लिए प्रौद्योगिकी और अर्थशास्त्रीय सलाहकारी निकाय के रूप में प्रौद्योगिकी और आर्थिक आकलन पैनल टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक असेसमेंट पैनल TEAP को गठित किया गया। इस प्रोटोकॉल को अपनाने के बाद से इसमें कई संशोधन किए गए हैं। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किए गए किगाली संशोधन के बारे में। देखिए किगाली समझौता हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के प्रयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए वर्ष 2016 में अपनाया गया था। किगाली समझौता यह वर्ष 2019 में लागू हुआ। किगाली समझौता वर्ष 2047 तक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग में 80% की कमी संबंधी लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु 4 चरणीय मार्ग के साथ राष्ट्रों के 3 समूहों को विभाजित करता है। यह विधिक रूप से बाध्यकारी समझौता, ये फैक्ट याद रखिएगा, जिसे अंतर्राष्ट्रीय विधि में इससे संबंधित अधिकारों दायित्वों का सृजन करने के लिए तैयार किया गया है। जुलाई 2021 तक 122 देश किगाली संशोधन की पुष्टि कर चुके थे। इसके तहत भारत को समूह 2 में शामिल किया गया है। इसलिए भारत को वर्ष 2023 तक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए अपनी राष्ट्रीय रणनीति विकसित करनी होगी संबंधित उद्योगों के हितधारकों से परामर्श के बाद। भारत और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में बात करें तो भारत क्रमशः वर्ष 1991 में वियना अभिसमय और वर्ष 1992 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का पक्षकार बना है। भारत ने वर्ष 2008 से अस्थमा और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी रोग के उपचार हेतु उपयोग किए जाने वाले मीटर्ड डोज इनहेलर्स में उपयोग को छोड़कर सक्रिय रूप से चरणबद्ध तरीके से या ढंग से क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्पादन और उपभोग समाप्त कर दिया है। ठीक है, CFC को समाप्त कर दिया है। इसके बाद वर्ष 2012 से MDIS अर्थात मीटर्ड डोज इनहेलर्स में भी CFC का उपयोग चरणबद्ध ढंग से समाप्त कर दिया गया है 2012 से। भारत में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसके तहत ओजोन का क्षरण करने वाले पदार्थों के उत्पादन तथा उपयोग को चरणबद्ध ढंग से समाप्त करने वाले कार्यक्रम के प्रभावी एवं समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए आवश्यक सेवाएं प्रदान करने हेतु पर्यावरण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय ओजोन इकाई नेशनल ओजोन यूनिट के रूप में ओजोन प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। अब ये आगे बढ़ने से पहले कुछ अन्य चीज़ों को भी यहाँ पर देख लेते हैं, एक सेकंड। देखिए पराबैंगनी विकिरण मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के एनेक्स और विशेष स्थिति वाले विकासशील देशों के बारे में थोड़ा बात करें तो पराबैंगनी विकिरण के प्रकार की बात करते हैं। UVA ये दीर्घ तरंग दैर्ध्य जो होते हैं, ये UVA जो है ये दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाले होते हैं 315 से 400 नैनोमीटर, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक और वायुमंडल से गुजरते हुए धरातल तक पहुँच जाती हैं। UVB ये मध्य तरंग दैर्ध्य वाले होते हैं 280 से 315 नैनोमीटर, ये त्वचा के लिए हानिकारक होते हैं।
जबकि UVA जो है वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, हानिकारक नहीं होता है। वी जो है ये हानिकारक होता है त्वचा के लिए, अधिकांशतः वायुमंडल द्वारा फिल्टर हो जाती हैं। वहीं UVC जो है अल्ट्रावायलेट सी, ये लघु तरंग दैर्ध्य की होती हैं 100 से 280 नैनोमीटर, ये सर्वाधिक हानिकारक होती हैं और पूर्ण रूप से ओजोन द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। तो धरातल पर कौन पहुंचती है? UVA जो रेज होती है वही पहुंच पाती हैं, जो कि दीर्घ तरंग दैर्ध्य की होती हैं। ठीक है, वो दीर्घ तरंग दैर्ध्य की होती है। जैसे UVA से सी की तरफ जाएंगे तरंग दैर्ध्य जो है वो घटता जाएगा और उनकी हानि जो दुष्प्रभाव वो बढ़ते जाएंगे। प्रोटोकॉल से नियंत्रित होने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं? NXA CFC हैलोन, NXB अन्नपूर्ण रूपेण हेलोजनीकृत CFC, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मेथाइल क्लोरोफॉर्म, और NXC में क्या है? HCFC है, HCFC। NXF में क्या है? HFC या हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, जिसके बारे में हमने यहाँ पर बात की थी। देशों का वर्गीकरण, पहला है नॉन आर्टिकल 5 पक्षकार विकसित देश, दूसरा आर्टिकल 5 पक्षकार विकासशील देशों, और वे देश जिनका NXA में उल्लिखित नियंत्रित पदार्थों में उपभोग का वार्षिक परिकल्पित स्तर इस प्रोटोकॉल के लागू होने की तिथि को 0.3 किलोग्राम प्रति व्यक्ति से कम था। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं ओजोन परत के संरक्षण के लिए जो वियना अभिसमय है उसके बारे में। तो ध्यान रखिएगा, वियना अभिसमय होगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होगा, किगाली संशोधन होगा, ये सभी जो है आपके कहीं ना कहीं ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित हैं। इसे वर्ष 1985 में अंगीकृत किया गया तथा वर्ष 1988 में लागू किया गया था, जो वियना अभिसमय है ये, जबकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में आता है। ओजोन परत के संबंध में मानवीय गतिविधियों पर अनुसंधान और निगरानी को बढ़ावा देता है यह, और ओजोन परत पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली गतिविधियों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई करता है। आगे चलते हैं, एक सेकंड, आगे बात करते हैं ओजोन परत और इसका क्षरण करने वाले पदार्थों के बारे में। तो देखिए, ओजोन परत जो है समताप मंडल ये पृथ्वी की सतह से 15 से 35 किलोमीटर ऊपर होती है। समताप मंडल स्टेटोस्फीयर, ये आपको यहाँ ये ट्रोपोस्फीयर सबसे नीचे, ठीक है, स्टेटोस्फीयर। देखिए, ओजोन जो होती है दो जगह, एक ट्रोपोस्फीयर में भी होती है और स्टेटोस्फीयर में भी होती है, जो हमारे वायुमंडल में है नीचे वो हानिकारक होती है, जो समताप मंडल में है वो हमारे लिए लाभदायक होती है। तो ओजोन परत समताप मंडल में ओजोन के उच्च संकेंद्रण वाला क्षेत्र है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करके पृथ्वी पर जीवन को संरक्षण प्रदान करता। तो UVB अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट सी इनको अवशोषित कर लेती है, अल्ट्रावायलेट ए को आने देती है। वर्ष 1985 में दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु के दौरान अंटार्कटिक के ऊपर ओजोन छिद्र निर्मित होने से ओजोन क्षरण यानी क्षयकारी पदार्थों द्वारा ओजोन परत के पतला होने की पुष्टि की गई थी। प्रमुख ओजोन क्षयकारी पदार्थ कौन से हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, हाइड्रोब्रोमो क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, मिथाइल ब्रोमाइड और ब्रोमोक्लोरोमीथेन। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में बात करें, HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, क्लोरो नहीं है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है। यह जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है वस्तुतः ओजोन क्षयकारी पदार्थों के प्रतिस्थापक रिप्लेसमेंट के रूप में मुख्य रूप से शीतलन और प्रशीतलन के लिए उपयोग किए जाने वाले औद्योगिक रसायनों के समूह हैं। हालांकि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ओजोन क्षयकारी पदार्थ नहीं है, ये ओजोन क्षयकारी पदार्थ नहीं है, इस फैक्ट को आप ध्यान रखिएगा। लेकिन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन उच्च ग्लोबल वार्मिंग क्षमता वाले अल्पकालिक जलवायु प्रदूषकों का हिस्सा है। कार्बन डाइऑक्साइड की ग्लोबल वार्मिंग क्षमता की तुलना में 1200 से 1400 गुना तक इसकी ग्लोबल वार्मिंग क्षमता होती है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, अगर इसी में हाइड्रोक्लोरो जुड़ गया होता, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ये ओजोन क्षयकारी हो जाता। ध्यान रखिएगा इसके बारे में कि जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है ये ओजोन क्षयकारी पदार्थ नहीं है। अन्य संबंधित सुर्खियों की बात करें तो क्वेटो समायोजन वर्ष 2018 में क्वेटो पक्षकारों के 13वां सम्मेलन में सहमत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का समायोजन निम्नलिखित का आग्रह करता है। पहला, प्रतिबंधित रसायन ट्राइक्लोरोफ्लोरोमीथेन CFC-11 के वैश्विक उत्सर्जन में अप्रत्याशित वृद्धि के विरुद्ध प्रतिक्रिया में प्रोटोकॉल के प्रवर्तन तंत्र को मजबूत करना। दूसरा, किगाली संशोधन के कार्यान्वयन की व्यवस्था करना। यह संशोधन जलवायु परिवर्तन से प्रेरित हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के अनुमानित उत्पादन और खपत में कटौती करने से संबंधित है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है ये।
आगे बात करते हैं आगे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में देखते हैं। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान करने के लिए प्रदान कर दिया है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया है। इसके लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक मसौदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अन्य संबंधित फैक्टरों की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा गैर सदस्य देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और अन्य संस्थाओं को स्थायी पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान कर सकती है। पर्यवेक्षक की स्थिति केवल ऐसे राष्ट्रों और अंतर सरकारी संगठनों को दी जा सकती है जिनकी गतिविधियां महासभा के हितों को शामिल करती हैं। स्थायी पर्यवेक्षक महासभा के सत्रों और कार्यविधियों में भाग ले सकते हैं और संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में मिशनों की देखरेख कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षक के दर्जे के बारे में बात करें तो पहली बार स्थायी पर्यवेक्षक का दर्जा जो है वर्ष 1946 में स्विस सरकार को दिया गया था, स्विस सरकार को प्रदान किया गया था। इसके पश्चात संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कई क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है। अन्य पर्यवेक्षकों में शामिल हैं गैर सदस्य राज्य जैसे कि होलीशी, अंतर सरकारी और अन्य संगठन, उदाहरण के लिए संकल्प 76/123 द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, तथा विशिष्ट एजेंसियां जैसे कि कृषि एवं खाद्य संगठन इत्यादि। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में बात करते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो देखिए इसे फ्रांस के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 2015 में पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन को प्रारंभ किया गया था। यह दो उष्णकटिबंधों के बीच अवस्थित सौर संसाधन संपन्न देशों को सदस्यों के रूप में शामिल करने वाला ऐसा बहुदेशीय साझेदारी संगठन है जहां वैश्विक समुदाय सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने की दिशा में सकारात्मक योगदान दे सकता है। वर्तमान में इसके द्वारा संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों के लिए गठबंधन की सदस्यता का विस्तार करने का निर्णय लिया गया है। इस निकाय का उद्देश्य सौर ऊर्जा अनुप्रयोगों को बढ़ाना, स्वैच्छिक आधार पर शुरू किए गए कार्यक्रमों और गतिविधियों के माध्यम से समन्वित कार्रवाई करना तथा सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में सहयोगी अनुसंधान और विकास गतिविधियों को सुविधाजनक बनाना है। प्रत्येक सदस्य ऐसे सौर अनुप्रयोगों से संबंधित जानकारी को साझा और अद्यतित करता है जिनसे वह अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन के तहत सामूहिक कार्रवाई का लाभ उठाना चाहता है। अक्टूबर 2021 तक 101 देशों ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं अक्टूबर 2021 तक, और 80 देशों ने इन पर हस्ताक्षर एवं इसकी अभिपुष्टि दोनों की है। ग्लासगो में आयोजित COP26 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के 101वें सदस्य के रूप में शामिल होने की घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ऐसा पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में है, और भारत में कहाँ, हरियाणा के गुरुग्राम में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा शुरू की गई पहलों के बारे में बात करते हैं, इनके द्वारा कौन सी पहल प्रारंभ की गई है। तो इसमें पहला जो है ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। इसे भारत द्वारा वैश्विक जलवायु सम्मेलन COP26 में ग्लासगो में लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य यह है कि जहां कहीं भी सूर्य का प्रकाश उपलब्ध है वहां सौर ऊर्जा का दोहन करके ऐसे क्षेत्रों को विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करना जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता हो। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने सदस्य देशों में सौर ऊर्जा के लिए वैश्विक निवेश हेतु $1 ट्रिलियन जुटाने के लिए ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज संगठन के साथ भागीदारी की है। विकासशील और उभरते अर्थव्यवस्थाओं में हरित ऊर्जा की ओर कदम बढ़ाने और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों में निवेश में तेजी लाने के लिए इस प्रयोजन के लिए $10 अरब की प्रतिबद्ध सूची के साथ COP26 में ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट लॉन्च किया गया है। कृषि उपयोग के लिए सौर अनुप्रयोगों को बढ़ाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कार्यक्रम सदस्य देशों में सौर जल पंपिंग प्रणाली के परिनियोजन के माध्यम से किसानों को अधिक से अधिक ऊर्जा उपलब्धता और संधारणीय सिंचाई समाधान प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करता है। यहाँ पे थोड़ा देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो यह विश्वभर की 73% जनसंख्या का, विश्वभर के 36% सकल घरेलू उत्पाद का, विश्वभर की 55% सकल ऊर्जा खपत का और 23% स्थापित सौर क्षमता का। देखिए 138 गीगावाट अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के सदस्य देशों की अगले 5 वर्षों में ऊर्जा उत्पादन क्षमता कितनी है, 138 गीगावाट है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं सुर्खियों में रहे अन्य पहलों की, अदर इनिशिएटिव इन न्यूज। तो इसमें पहला है फॉरेस्ट कार्बन क्रेडिट स्टैम्प्स के बारे में, FCCS।
कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में बाजार तंत्र का उपयोग करते हुए चीन ने फॉरेस्ट कार्बन क्रेडिट स्टैम्प कप की प्रथम खेप जारी की। किसने जारी की है? चीन ने। ये महत्वपूर्ण है। देखिए, फॉरेस्ट कार्बन क्रेडिट स्टैम्प वस्तुतः कार्बन डाइऑक्साइड की एक निश्चित मात्रा के उत्सर्जन हेतु कंपनियों को प्रदान किए जाने वाले परमिट होते हैं, इसको याद रखिएगा। जोड़े गए वन क्षेत्रों इन वन क्षेत्रों द्वारा कार्बन प्रग्रहण की मात्रा के आधार पर इनका क्रय विक्रय किया जा सकता है। बैंक क्रेडिट और ऋण के लिए संपार्श्विक के रूप में भी इनका उपयोग किया जा सकता है। वर्ष 2030 तक चरम कार्बन उत्सर्जन स्थिति से वर्ष 2060 तक कार्बन तटस्थता की स्थिति को प्राप्त करने संबंधी चीन के प्रयास की दिशा में फॉरेस्ट कार्बन क्रेडिट सिस्टम बेहतर संभावनाएं प्रस्तुत करता है। आगे बात करते हैं कार्बन सीमा समायोजन तंत्र, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM के बारे में। देखिए, यूरोपीय संघ वर्ष 2026 से आयातित वस्तुओं पर विश्व का प्रथम कार्बन सीमा कर, कार्बन सीमा समायोजन तंत्र CBAM आरोपित करने पर बल दे रहा है। ठीक है, यूरोपीय संघ वर्ष 2026 से आयातित वस्तुओं पर विश्व का प्रथम कार्बन सीमा कर जो है, सीमा कर कार्बन सीमा समायोजन तंत्र आरोपित करने का बल दे रहा है। तो ध्यान रखिए, इसको कौन फोर्स करने का प्रयास कर रहा है? यूरोपीय संघ। इसका प्रयोजन कार्बन उत्सर्जन का वर्ष 1990 के स्तर की तुलना में वर्ष 2030 तक 55% कम करने के अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य की पूर्ति करना है। फिट फॉर 55 पहल प्रारंभ की गई है इसके लिए। फिट फॉर 55 पहल क्या है? 1990 के स्तर की तुलना में वर्ष 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को 55% तक कम करना है। यह तंत्र कार्बन रिसाव का समाधान करता है। इस रिसाव से यह तात्पर्य है कि कंपनियां वहनीय प्रदूषण लागत और शिथिल जलवायु विनियमों वाले स्थानों पर अपनी इकाई की स्थापना को प्राथमिकता देती हैं। कार्बन सीमा कर अल्प सख्त जलवायु नीतियों वाले देशों से आयातित वस्तुओं से होने वाले कार्बन उत्सर्जन पर आरोपित कर है। इसका उद्देश्य आयात और घरेलू उत्पादन के मध्य एक समान अवसर सृजित करना है। देखिए, इसमें ये जो कर है, इसमें आइसलैंड, लिंकेस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड में उत्पन्न होने वाली वस्तुएं शामिल हैं। गैर यूरोपीय संघ के आपूर्तिकर्ता, यहाँ पे इस चित्र के माध्यम से दिखाया गया किस प्रकार से ये होगा। देखिए, यूरोपीय संघ में उत्पन्न होने वाली वस्तुओं पर ये जो कर है CBAM ये लागू नहीं होगा। CBAM कार्बन सीमा समायोजन तंत्र नामक यह एक कर है। ठीक है, विश्व का प्रथम कार्बन सीमा कर है ये, और यूरोपीय संघ द्वारा इसको प्रारंभ किया जा रहा है। क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग के बारे में, तो CAFMD क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग संयुक्त राज्य अमेरिका भारत एजेंडा 2030 साझेदारी के दो मुख्य बिंदुओं और अन्य बिंदु रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी में से एक है ये, जिन्हें वर्ष 2021 में घोषित किया गया था। तो ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका भारत एजेंडा 2030 साझेदारी के दो मुख्य बिंदुओं में से एक है। यदि इसकी बात करें, क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग के तीन स्तंभ होंगे। जलवायु कार्रवाई स्तंभ, इसके तहत आगामी दशक में उत्सर्जन को कम करने के उपायों को लागू किया जाना है। दूसरा, कार्य योजना बनाने के लिए स्तंभ, इसके तहत परिवहन, भवनों और उद्योग में 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को प्राप्त किया जाना है। तीसरा, विजय स्तंभ, 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा को स्थापित करने और बृहद पैमाने पर स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करने हेतु वित्त को आकर्षित करना है। वहीं अगला है जलवायु लचीलापन सूचना प्रणाली और योजना उपकरण के बारे में, क्लाइमेट रिजिलियंस इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड प्लानिंग CRISPM टूल के बारे में। तो केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री ने संयुक्त रूप से जलवायु लचीलापन सूचना प्रणाली और योजना CRISPM उपकरण का लोकार्पण किया। ध्यान रखिए, किसने लोकार्पण किया है? इस जलवायु लचीलापन सूचना प्रणाली और योजना का केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री ने। देखिए, यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS आधारित जल संभर योजना के कार्यान्वयन की दिशा में जलवायु सूचनाओं के एकीकरण में मदद करेगा। इस उपकरण का उपयोग उन 7 राज्यों में किया जाएगा जहां यूनाइटेड किंगडम और भारत सरकार संयुक्त रूप से जलवायु लचीलेपन की दिशा में कार्यरत है। अब ये 7 राज्य कौन से हैं? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और राजस्थान। तो ध्यान रखिएगा, इसमें उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों शामिल हैं। तो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
उड़ीसा और राजस्थान। फोरम फॉर डी कार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करें तो नीति आयोग और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इंडिया ने संयुक्त रूप से भारत में फोरम फॉर डी कार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट का शुभारंभ किया था। किसने किया? नीति आयोग और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने। यह राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एशिया के लिए परिवहन पहल नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया NDCTIA परियोजना का एक हिस्सा है। NDC अर्थात नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया NDCTIA 7 संगठनों का एक संयुक्त कार्यक्रम है। इसका संपूर्ण एशिया में शून्य उत्सर्जन परिवहन की ओर एक आदर्श संक्रमण को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य चीन, भारत और वियतनाम को शामिल करेगा। ठीक है, यह संपूर्ण एशिया में शून्य उत्सर्जन परिवहन की ओर एक आदर्श संक्रमण को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य चीन, भारत और वियतनाम को शामिल करेगा। इस परियोजना इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव का हिस्सा है। यह परियोजना जो है इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव का हिस्सा है। नीति आयोग भारत के लिए इसका कार्यान्वयन भागीदार है। ज्ञातव्य है कि परिवहन क्षेत्र भारत में तीसरा सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जक क्षेत्र है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल इंडस्ट्रियल डीप डीकार्बनाइजेशन इनिशिएटिव के बारे में, IDDI के बारे में। तो देखिए, इसे भारत और यूनाइटेड किंगडम ने प्रारंभ किया है। किसको? क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल इंडस्ट्रियल डीप डीकार्बनाइजेशन इनिशिएटिव को। इंडस्ट्रियल डीप डीकार्बनाइजेशन इनिशिएटिव उन सार्वजनिक और निजी संगठनों का एक वैश्विक गठबंधन होगा जो निम्न कार्बन औद्योगिक सामग्री की मांग को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यरत हैं। यह जो IDDI है इंडस्ट्रियल डीप डीकार्बनाइजेशन इनिशिएटिव का नेतृत्व यूनाइटेड किंगडम और भारत द्वारा किया जा रहा है। इसे संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO द्वारा समन्वित किया जाएगा। जर्मनी और कनाडा भी इस पहल में शामिल हुए हैं। तो आपका यूनाइटेड किंगडम, भारत और जर्मनी और कनाडा इसमें शामिल हैं। इसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की बात करें तो कार्बन आंकलनों का मानकीकरण करना, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के महत्वाकांक्षी खरीद लक्ष्य निर्धारित करना, निम्न कार्बन उत्सर्जनों के विकास और डिजाइन उद्योग दिशा निर्देशों में निवेश को प्रोत्साहित करना आदि। यह इस्पात और सीमेंट जैसी कार्बन गहन निर्माण सामग्रियों के प्रबंधन के लिए निम्नलिखित संबंधित पहलुओं संगठनों के एक मजबूत गठबंधन को मजबूत करेगा, एकजुट करेगा। मिशन पॉसिबल प्लेटफॉर्म, लीडरशिप ग्रुप फॉर द इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन, अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी IRENA तथा विश्व बैंक। आगे बात करते हैं क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर के बारे में। तो यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व भर में जलवायु कार्रवाई में निष्पक्षता, उत्सर्जन में असमानताओं तथा ऊर्जा और संसाधन खपत का आकलन करने के लिए एक ऑनलाइन डैशबोर्ड है। इसे भारत के स्वतंत्र शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, किसको? क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर को। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, भारत के शोधकर्ताओं द्वारा इसे विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC ये विकसित देशों के संबंध में के तहत परिशिष्ट वन के पक्षकारों के प्रदर्शन की निगरानी करना है। यह निगरानी निष्पक्षता तथा साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं के सिद्धांत के आधार पर की जाएगी। तुलना के लिए गैर परिशिष्ट वन पक्षकारों अर्थात विकासशील देशों के प्रदर्शन और नीतियों को भी उपलब्ध कराया जाएगा। बात करते हैं जल और जलवायु गठबंधन वाटर एंड क्लाइमेट कोलिशन WCC के बारे में। WCC वस्तुतः डेटा सूचना निगरानी प्रणाली और परिचालन क्षमता पर विशेष ध्यान देने के साथ एक एकीकृत जल और जलवायु एजेंडा हेतु ठोस कार्रवाई गतिविधियों और नीतिगत समर्थन प्रदान करने के लिए एक बहुहितधारक पहल है। WCCC है जलवायु और जलवायु गठबंधन वाटर एंड क्लाइमेट कोलिशन वैज्ञानिक संगठनों, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संगठनों, संयुक्त राष्ट्र से जुड़े संगठनों, सरकारों और नागरिक समाज के सदस्यों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए खुला है। ये सब ऐसे संगठन या निकाय हैं जो राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर ठोस जल विज्ञान संबंधी गतिविधियों को लागू कर इस दिशा में प्रयासों को पर्याप्त गति प्रदान करने के लिए समान स्तर पर कार्य कर रहे हैं। इसका सचिवालय विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के सचिवालय भवन में स्थित है। कॉटन 2040 इनिशिएटिव महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा कि क्या है कॉटन 2040 इनिशिएटिव के एक अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन भारत सहित विश्व के सभी कपास उत्पादक क्षेत्रों में से आधे के समक्ष वर्ष 2040 तक कम से कम एक जलवायु खतरे संबंधी जोखिम में वृद्धि कर सकता है। जलवायु खतरों में तापमान में वृद्धि, वर्षा के प्रारूप में परिवर्तन और चरम मौसमी घटनाएं शामिल हैं। कॉटन 2040 एक गैर सरकारी संगठन फोरम फॉर द फ्यूचर की एक पहल है। इसका उद्देश्य तेजी से जलवायु बाधित हो रहे विश्व में एक लचीले कपास उद्योग का निर्माण करना है। तो ये कपास उद्योग से संबंधित एक इनिशिएटिव है, ध्यान रखिएगा।
कॉटन 2040 पहल। अर्थ शॉर्ट पुरस्कार 2021 भारतीय कृषि अपशिष्ट पुनर्चक्रण परियोजना को किसको, भारतीय कृषि अपशिष्ट पुनर्चक्रण परियोजना को प्रिंस विलियम अर्थशास्त्र पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, प्रिंस विलियम अर्थशास्त्र पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है, भारतीय कृषि अपशिष्ट पुनर्चक्रण परियोजना को। अर्थशास्त्र पुरस्कार को प्रिंस विलियम और रॉयल फाउंडेशन तथा इतिहासकार डेविड एटनबरो द्वारा स्थापित किया गया। रॉयल फाउंडेशन ड्यूक और डजेज ऑफ कैम्ब्रिज द्वारा स्थापित एक चैरिटी है। यह पुरस्कार जलवायु संकट से संघर्ष के क्रम में समाधान विकसित करने हेतु वर्ष 2021 और वर्ष 2030 के मध्य 5 फाइनलिस्ट को प्रदान किया जाएगा। देखिए, यह पुरस्कार वर्ष 2020 में स्थापित किया गया और वर्ष 2021 प्रथम वर्ष है जब इस फाइनलिस्ट को 5 संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में उनके योगदान के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 5 संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य कौन से हैं, प्रकृति की पुनर्स्थापना और संरक्षण, वायु स्वच्छता, महासागर पुनरुत्थान, चौथा है अपशिष्ट मुक्त जीवन और पांचवा है जलवायु कार्रवाई। तो ध्यान रखिएगा, प्रिंस विलियम अर्थशास्त्र पुरस्कार 2021 किसे दिया गया, भारतीय कृषि अपशिष्ट पुनर्चक्रण परियोजना को। यह पुरस्कार 2020 में प्रारंभ किया गया था, स्थापित किया गया, तो 21 में पहला पुरस्कार दिया गया। जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री की परिषद प्राइम मिनिस्टर्स काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज PMCCC पिछले 7 सालों में इसकी कोई बैठक नहीं हुई। ध्यान रखिएगा, पिछले 7 सालों में जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री की परिषद की एक भी बैठक नहीं हुई। इसे वर्ष 2008 में गठित किया गया था, इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। PMCCC का गठन जलवायु परिवर्तन के आकलन, अनुकूलन और समन के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई के समन्वित किया गया था। PMCCC में सरकारी और गैर सरकारी दोनों सदस्य शामिल होते हैं। वर्ष 2014 में PMCCC का पुनर्गठन किया गया था, ठीक है, 2014 में। समिति निम्नलिखित कार्यों पर ध्यान केंद्रित करती है, कौन कौन से, जलवायु परिवर्तन संबंधित मुद्दों पर राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित प्रतिक्रिया विकसित करना, जलवायु, इसके अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन के आकलन, अनुकूलन, समन के क्षेत्र में कार्य योजनाओं के निर्माण के लिए पर्यवेक्षण प्रदान करना। आगे चलते हैं, जलवायु समन और अनुकूलन, क्लाइमेट मिटिगेशन एंड एडॉप्टेशन के बारे में बात करें तो जलवायु वित्त संबंधित तत्व क्लाइमेट फाइनेंस मैकेनिज्म सुर्खियों में क्यों है, क्योंकि 2026 के दौरान भारत ने अगले दशक में विकसित देशों से ग्लोबल वार्मिंग से उत्पन्न चुनौतियों के प्रति अनुकूलन और इनके समन के लिए $1 ट्रिलियन के जलवायु वित्त की मांग की है। $1 ट्रिलियन के जलवायु वित्त की मांग की है। जलवायु वित्त क्या है, जलवायु वित्त स्थानीय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण, सार्वजनिक, निजी और वैकल्पिक स्रोतों से प्राप्त वित्त पोषण को संदर्भित करता है। इसका निहितार्थ जलवायु परिवर्तन का समन, अर्थात ग्रीन, जो ग्रीन हाउस गैसेस उसके उत्सर्जन में कमी करके, और अनुकूलन अर्थात प्रतिकूल प्रभावों के प्रति अनुकूलन और बदलती जलवायु के प्रभावों को कम करना। तो इस निहितार्थ जलवायु परिवर्तन का समन और अनुकूलन कार्रवाइयों में सहायता करना है, जो इसका निहितार्थ है जलवायु वित्त का। जलवायु वित्त पोषण अनिवार्य रूप से ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व औद्योगिक स्तर की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि तक सीमित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करेगा। UNFCCC, क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौता अधिक वित्तीय संसाधनों वाले पक्षकारों से कम संपन्न एवं अधिक सुभेद्य पक्षकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का आह्वान करते हैं। UNFCCC और संबंधित समझौतों द्वारा स्थापित वित्तीय तंत्र की बात करें तो पहले है वैश्विक पर्यावरण सुविधा ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी GEF के बारे में। इसने वर्ष 1994 में अभिशमय के प्रभावी होने के बाद से वित्तीय तंत्र की प्रचालक इकाई के रूप में कार्य किया है। यह दो निधियों का प्रबंधन करता है। पहला है विशेष जलवायु परिवर्तन निधि, स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड CSCCF। इसे वर्ष 2001 में अनुकूलन प्रौद्योगिकी अंतरण और क्षमता निर्माण, ऊर्जा, परिवहन, उद्योग, कृषि, वानिकी और अपशिष्ट प्रबंधन तथा आर्थिक विविधीकरण से संबंधित परियोजनाओं का वित्त पोषण करने के लिए स्थापित किया गया था। अल्प विकसित देश निधि, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड LDCF, इसे अल्प विकसित देशों की राष्ट्रीय कार्रवाई अनुकूलन कार्यक्रमों को तैयार करने और उनके क्रियान्वयन में सहायता करने के लिए स्थापित किया गया है। अनुकूलन तिथि निधि, एडॉप्टेशन फंड, इसे वर्ष 2001 में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति सुभेद्य क्योटो प्रोटोकॉल के पक्षकार विकसित के पक्षकार विकासशील देशों में ठोस अनुकूलन परियोजनाओं और कार्यक्रमों का वित्त पोषण करना है। हरित जलवायु निधि, ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में बात करें तो इसे वर्ष 2010 में COP16 में स्थापित किया गया था। साथ ही विकसित देशों ने निम्न उत्सर्जन जलवायु प्रत्यास्थ मार्गों के प्रति विकासशील
देशों की राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान एनडीसी संबंधी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाने और साकार करने में सहायता के लिए हेतु इस निधि के माध्यम से वर्ष 2020 तक प्रतिवर्ष 100 अरब अमेरिकी डॉलर जुटाने का आश्वासन दिया था। अब बात करते हैं अन्य निधियाँ और वित्त पोषण के साधन। देखिए, संयुक्त राष्ट्र समर्थित अंतर्राष्ट्रीय जलवायु निधियाँ, यूनाइटेड नेशन बैक्ड इंटरनेशनल क्लाइमेट फंड, इसमें है स्वच्छ प्रौद्योगिकी निधि, क्लीन टेक्नोलॉजी फंड। इसका उद्देश्य निम्न कार्बन प्रौद्योगिकियों को बढ़ाने के लिए संसाधन प्रदान करके विकासशील देशों में रूपांतरण को सशक्त बनाना है। दूसरा, जलवायु निवेश निधियाँ, क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड। इसका उद्देश्य विकासशील और मध्यम आय वाले देशों में स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा तक पहुँच, जलवायु प्रत्याशा और संधारणीय वनों में रूपांतरण को सशक्त बनाकर जलवायु कार्रवाई में तेजी लाना है। तीसरा फंड कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र निर्वनीकरण और वन निम्नीकरण से होने वाले उत्सर्जन में कमी करना। इसका उद्देश्य जलवायु आपातकाल के सर्वोत्तम प्रकृति आधारित समाधान अर्थात वनों का संरक्षण करना है। नेट जीरो एसेट ऑनर अलायंस, इसमें पेंशन निधि, बीमा कंपनियों और सॉवरेन वेल्थ फंड सहित 29 सदस्य शामिल हैं। साथ ही यह निवल सोने संबंधी पेरिस लक्ष्यों के साथ पोर्टफोलियो की संरेखित करने के लिए सारभूत कार्य पद्धतियों पर काम कर रहा है। अन्य अंतर्राष्ट्रीय निधियाँ, एशियाई विकास बैंक की जलवायु परिवर्तन निधि। देखिए, इसकी स्थापना वर्ष 2008 में विकासशील सदस्य देशों में अधिक निवेश की सुविधा प्रदान करने हेतु की गई थी। इसका उद्देश्य विकासशील देशों में निम्न कार्बन और जलवायु प्रत्यास्त विकास के प्रति समर्थन सुदृढ़ करके जलवायु परिवर्तन के कारणों और परिणामों का प्रभावी ढंग से समाधान करना है। वन कार्बन भागीदारी सुविधा CFCPF, यह सरकारों, व्यवसायों, नागरिक समाज और देशज लोगों की वैश्विक भागीदारी है। यह आमतौर पर RED+ के रूप में संदर्भित कार्यकलापों पर केंद्रित है, यथा निर्वनीकरण और वन निम्नीकरण से होने वाले उत्सर्जन में कमी करना, वन कार्बन स्टॉक का संरक्षण करना, वनों का संधारणीय प्रबंधन करना और विकासशील देशों में वन कार्बन स्टॉक की वृद्धि करना। अब बात करते हैं वित्त जुटाने के अन्य राष्ट्रीय और स्थानीय स्रोत के बारे में। पहला है राष्ट्रीय सरकारों से आवंटन। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है, जिसे जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को समन करने वाली ठोस अनुकूलन गतिविधियों का समर्थन करने के लिए वर्ष 2015-16 में गठित किया गया था। दूसरा है कार्बन मूल्य निर्धारण उपकरण के बारे में। इसमें शामिल है कार्बन बाजार दृष्टिकोण। इसके तहत उत्सर्जन व्यापार के लिए एक तंत्र सृजित किया जाता है और प्रति टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य को बाजार मूल्य के आधार पर कार्बन क्रेडिट के रूप में खरीदा और बेचा जाता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, कार्बन बाजार दृष्टिकोण का मतलब समझ गए। कार्बन बाजार दृष्टिकोण कार्बन उत्सर्जन पर कर आरोपित करने संबंधी दृष्टिकोण, अर्थात यह जीवाश्म ईंधन पर कर आरोपित करने या जीवाश्म ईंधन पर प्रदान की जाने वाली सब्सिडी को समाप्त करने के रूप में हो सकता है इत्यादि। अब कुछ संक्षिप्त अवधारणाओं के बारे में बात करते हैं। तो पहला है कार्बन तीव्रता, कार्बन इंटेंसिटी। ये क्या होता है? कार्बन तीव्रता को सकल घरेलू उत्पाद के प्रति इकाई कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के रूप में मापा जाता है। सकल घरेलू उत्पाद के GDP के प्रति इकाई कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के रूप में मापा जाता है। सूक्ष्म जलवायु परिवर्तन, माइक्रो क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करें तो हाल ही में काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरमेंट एंड वाटर CEEW की रिपोर्ट में पाया गया है कि भारत में चक्रवातों की तीव्रता व आवृत्ति में वृद्धि सूक्ष्म जलवायु परिवर्तन के कारण हुई है। भारत में चक्रवातों की तीव्रता और आवृत्ति में वृद्धि सूक्ष्म जलवायु परिवर्तन के कारण हुई है। सूक्ष्म जलवायु मृदा के तापमान, वायु के तापमान, पवनों की दिशा, मृदा की नमी और वायु की आर्द्रता जैसे कारकों के मध्य स्थानीय अन्योन्य क्रिया है। यह अन्योन्य क्रिया दिन और रात के प्रभाव और मौसमी प्रभावों से प्रभावित होती है। सूक्ष्म जलवायु के प्रभाव या तो जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध प्रतिरोध प्रदान कर सकते हैं या वे इसके प्रभावों को उच्च तापमान, सूखा, अनियमित वर्षा या विलंबित वर्षा के रूप में बढ़ा सकते हैं। नेट जीरो कार्बन लक्ष्य के बारे में बात करें तो नेट जीरो उत्सर्जन को कार्बन तटस्थता के रूप में संदर्भित किया जाता है। इसे तभी प्राप्त किया जाता है जब एक निर्दिष्ट अवधि में वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के मानव जनित उत्सर्जन को मानव द्वारा ही निराकरण के माध्यम से संतुलित किया जाए। आगे चलते हैं इसमें। यदि अवशोषण और निराकरण वास्तविक उत्सर्जन से अधिक हो, मतलब जितना उत्सर्जन कर रहे हैं उससे अधिक अवशोषण और उसका निराकरण कर रहे हैं, तो किसी देश के लिए नकारात्मक उत्सर्जन होना भी संभव है, जैसे कि भूटान। एक तो नेट जीरो है, नेट जीरो से भी नीचे है ये। कार्बन तटस्थता प्राप्त करने के लिए कुछ रणनीतियाँ इस प्रकार हो सकती हैं, जैसे कि विद्युत क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत विद्युत क्षेत्र है। कार्बन अभिग्रहण, उपयोग और भंडारण इत्यादि। आगे बात करते हैं
काराकोरम विसंगति के बारे में, महत्वपूर्ण है याद रखिएगा काराकोरम विसंगति क्या है, काराकोरम एनोमली। काराकोरम विसंगति को हिमालय की अन्य निकटवर्ती पर्वत श्रृंखलाओं और विश्व की अन्य पर्वत श्रृंखलाओं में हिमनदों के पीछे हटने के विपरीत केंद्रीय काराकोरम श्रेणी में हिमनदों की स्थिरता या विषम वृद्धि कहा जाता है। ठीक है, अन्य में क्या होता है कि पीछे हट रही है, परंतु यहाँ क्या केंद्रीय काराकोरम श्रेणी में हिमनदों की स्थिरता व विषम वृद्धि है यह, तो ध्यान रखिएगा काराकोरम विसंगति के बारे में। तो एक बार फिर से देख लीजिए, काराकोरम विसंगति को हिमालय की अन्य निकटवर्ती पर्वत श्रृंखलाओं और विश्व की अन्य पर्वत श्रृंखलाओं में हिमनदों के पीछे हटने के विपरीत केंद्रीय काराकोरम श्रेणी में हिमनदों की स्थिरता तथा विषम वृद्धि का वृद्धि कहा जाता है। आगे बात करते हैं मछलियों के सीमा पारीय भंडार के बारे में। हाल ही में एक अध्ययन में मछलियों के सीमा पारीय भंडारों, झुंड या आबादी पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का आकलन किया गया। यह अध्ययन अनन्य आर्थिक क्षेत्रों के संदर्भ में किया गया। साझे भंडार के बारे में बात करें, शेयर्ड स्टॉक, तो साझे भंडार की अवधारणा संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि अंक्लास UNCLOS की अभिपुष्ट और तटीय राज्यों द्वारा EEZ अर्थात अनन्य आर्थिक क्षेत्रों के दावे के बाद विकसित की गई थी। खाद्य और कृषि संगठन FAO के अनुसार साझे भंडार को चार गैर अनन्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन कौन से? ट्रांसबाउंड्री स्टॉक, जो पड़ोसी अनन्य आर्थिक क्षेत्र को पार करते हैं। स्ट्रेडलिंग स्टॉक, जो पड़ोस के अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अतिरिक्त निकटवर्ती खुले समुद्रों अर्थात राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में भी गमन करते हैं। हाईली माइग्रेटरी स्टॉक, जो खुले समुद्र और अनन्य आर्थिक क्षेत्र दोनों सहित विशाल महासागरीय क्षेत्रों में प्रवास करते हैं। इसके अतिरिक्त डिस्क्रीट भंडार, जो केवल खुले समुद्रों में पाए जाते हैं। ओरका संयंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा डायरेक्ट एयर कैप्चर संयंत्र। देखिए, वायु से कार्बन को कैप्चर करने वाला विश्व का सबसे बड़ा संयंत्र हाल ही में आइसलैंड में शुरू किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये फैक्ट आप जरूर याद रखिएगा कि वायु से कार्बन को कैप्चर करने वाला विश्व का सबसे बड़ा संयंत्र अभी हाल ही में कहाँ शुरू किया गया है, तो आइसलैंड में। देखिए, स्विट्जरलैंड के स्टार्टअप क्लाइम वर्क्स AG, जिसे सीधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने में विशेषता प्राप्त है, ने आइसलैंड की कार्बन स्टोरेज फर्म कार्बफिक्स के साथ मिलकर एक ऐसा संयंत्र विकसित करने के लिए भागीदारी की है, जो प्रतिवर्ष 4000 टन कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर सकता है। पृथक कार्बन को पुनः जल के साथ मिश्रित किया जाता है और भूमि के नीचे गहराई में दबा दिया जाता है, जहां यह धीरे धीरे चट्टान बदल जाता है। दोनों प्रौद्योगिकियां निकट अवस्थित जियोथर्मल विद्युत संयंत्र से प्राप्त अक्षय ऊर्जा द्वारा संचालित होती हैं। देखिए, यह कार्बन डाइऑक्साइड को सीधे वातावरण की वायु से पृथक करने वाली कुछ तकनीकों में से एक है। आगे बात करते हैं स्थायी तुषार का पिघलना, परमाफ्रॉस्ट थॉइंग के बारे में। जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल IPCC की नवीनतम रिपोर्ट में यह चेतावनी दी गई है कि बढ़ते भूमंडलीय तापमान के परिणामस्वरूप आर्कटिक स्थायी तुषार भूमि में कमी आएगी, मतलब परमाफ्रॉस्ट में कमी आएगी। साथ ही हिम के पिघलने से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की संभावना है। ऐसा माना जाता है कि स्थायी तुषार भूमि में, जो परमाफ्रॉस्ट लैंड है, इसमें कुछ जीवाणु तथा विषाणु हजारों वर्षों तक निष्क्रिय अवस्था में बने रह सकते हैं। स्थायी तुषार भूमि की हिम के पिघलने से ये रोगाणु पर्यावरण में प्रसारित हो सकते हैं तथा नए रोगों के संक्रमण के कारक सिद्ध हो सकते हैं। स्थायी तुषार भूमि के बारे में बात करें तो स्थायी तुषार भूमि को ऐसी भूमि के रूप में परिभाषित किया गया, ऐसी भूमि मतलब जिसमें मृदा शैल और किसी प्रकार का हिमयुक्त या कार्बनिक पदार्थ हो, के रूप में परिभाषित किया गया है, जो कम से कम लगातार 2 वर्षों से 0 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर जमी हुई अवस्था में होती है। तो ये है आपका परमाफ्रॉस्ट। स्थायी तुषार भूमि या परमाफ्रॉस्ट 23 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में विस्तारित है। यह विश्व के लगभग 15% भूभाग पर आच्छादित है। क्षेत्र के संदर्भ में बात करें, स्थायी तुषार भूमि को निरंतर असतत छिटपुट या पृथक क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। उत्तरी गोलार्ध में अधिकांश स्थायी तुषार भूमि 60 डिग्री नॉर्थ से लेकर 68 डिग्री नॉर्थ अक्षांशों के बीच, 67 नॉर्थ के उत्तर में स्थायी तुषार भूमि तेजी से घटती है, क्योंकि अनावृत भूमि की सतह आर्कटिक महासागर को रास्ता देती है। देखिए, उत्तरी गोलार्ध में हिम मुक्त भूमि का क्षेत्र जो है, उत्तरी गोलार्ध में हिम मुक्त भूमि का क्षेत्र 24% स्थायी तुषार भूमि के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र का अधिकांश भाग साइबेरिया, कनाडा, अलास्का तथा ग्रीनलैंड में विस्तारित है। स्थायी तुषार भूमि के पिघलने के अन्य प्रभाव क्या हैं? आर्कटिक में आधारिक संरचनाओं की धारण क्षमता
में गिरावट आ सकती है। जमी हुई भूमि की संरचनात्मक भार वहन करने की क्षमता में गिरावट आ सकती है। इस हिम के पिघलने से उत्पन्न जल से मृदा नष्ट हो सकती है या कार्बनिक पदार्थों, पोषक तत्वों तथा प्रदूषण सहित अन्य विलयों के परिवहन में वृद्धि कर सकता है। इन्हें नदी या समुद्री जल द्वारा लंबी दूरी तक ले जाया जा सकता है। अब कुछ रिपोर्ट और सूचकांक के बारे में बात करते हैं। तो पहली रिपोर्ट है शहरी जलवायु वित्त की स्थिति, द स्टेट ऑफ सिटीज क्लाइमेट फाइनेंस। इसको जारी कौन करता है? सिटीज क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप अलायंस और वर्ल्ड बैंक। महत्वपूर्ण याद रखिएगा, सिटीज क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप अलायंस के बारे में बात करें तो यह विश्व के ऐसे नेतृत्वकर्ताओं का एक गठबंधन है जो वर्ष 2030 तक बड़े पैमाने पर शहरी स्तर की जलवायु कार्रवाई के लिए वित्त की उपलब्धता हेतु प्रतिबद्ध है। यह एकमात्र बहुस्तरीय और बहुहितधारक गठबंधन है जिसका गठन दुनिया भर में शहरी या उपराष्ट्रीय जलवायु परियोजना और बुनियादी ढांचे के निवेश की कमी को दूर करने के उद्देश्य से किया गया है। इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों पर यदि नज़र डालें तो शहरी जलवायु वित्त का सबसे अधिक हिस्सा OECD देशों और चीन को प्राप्त होता है। देखिए, दक्षिण एशिया और उप सहारा अफ्रीका सहित कई विकासशील अर्थव्यवस्थाओं या क्षेत्रों के लिए शहरी जलवायु वित्त अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। वित्त वर्ष 2017-2018 में कुल निवेश का 9% हिस्सा अनुकूलन परियोजनाओं में गया, जबकि समन और दोहरे उपयोग के लिए 91% हिस्सा उपलब्ध कराया गया था। आगे बात करते हैं हिमालय के हिमनद, जलवायु परिवर्तन, ब्लैक कार्बन और क्षेत्रीय लचीलापन। ग्लेशियर ऑफ द हिमालयज, क्लाइमेट चेंज, ब्लैक कार्बन एंड रीजनल रेजिलियंस के बारे में, इसको कौन जारी किया? वर्ल्ड बैंक ने। शोध पत्र के अनुसार ब्लैक कार्बन को कम करने के लिए मौजूदा नीतियों के पूर्ण कार्यान्वयन में 23% की कमी प्राप्त की जा सकती है। मतलब पूर्ण कार्यान्वयन से 23% की कमी प्राप्त की जा सकती है ब्लैक कार्बन में। देखिए, परंतु नई नीतियों को लागू करने और देशों के मध्य क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से इन नीतियों की कार्रवाइयों में शामिल करने से अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। रिपोर्ट में हिमालय, काराकोरम और हिंदुकुश पर्वत श्रृंखलाओं को शामिल किया गया। इसके अनुसार हिमनद वैश्विक औसत हिम राशियों की तुलना में तेजी से पिघल रहे हैं। ग्राउंडस्वेल रिपोर्ट के बारे में बात करें, इसको वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2030 तक आंतरिक जलवायु प्रवास के विभिन्न हॉटस्पॉट उभर सकते हैं। ये हॉटस्पॉट वर्ष 2050 तक प्रसारित और गहन हो जाएंगे। वर्ष 2050 तक उप सहारा अफ्रीका में आंतरिक जलवायु शरणार्थियों की संख्या सर्वाधिक होगी। कहाँ पर? उप सहारा अफ्रीका में। आगे चलते हैं एशिया में जलवायु की स्थिति रिपोर्ट 2020 के बारे में बात करें, स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया 2020 रिपोर्ट। यह रिपोर्ट विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO और अन्य संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों का एक सहयोगपूर्ण उत्पाद है। यह एशिया में जलवायु कार्रवाई के लिए सबक पर प्रकाश डालती है, एशिया में जलवायु की स्थिति रिपोर्ट तथा महत्वपूर्ण अंतरालों और चुनौतियों को समाप्त करने के लिए उपायों की पहचान करती है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ करके 413.2 पार्ट्स पर मिलियन हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर इसमें विगत एक दशक में औसत दर में अधिक वृद्धि हुई है, जबकि COVID-19 लॉकडाउन के दौरान उत्सर्जन में अस्थायी गिरावट आई थी कार्बन डाइऑक्साइड के। वर्ष 1970 से वर्ष 2019 के मध्य चरम मौसमी जलवायु एवं जलवायु जलीय आपदाओं के परिणामस्वरूप मृत्यु दर तथा आर्थिक क्षति से संबंधित एटलस जारी किया गया था, एटलस ऑफ मोर्टेलिटी एंड इकोनॉमिक लॉसेस फ्रॉम वेदर, क्लाइमेट एंड वाटर एक्सट्रीम्स 1970-2019। यह एटलस विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO द्वारा जारी किया गया, याद रखिएगा। इस प्रकार एटलस के अनुसार विगत 50 वर्षों में मौसमी जलवायु और जलीय आपदा लगभग 50% आपदाओं, 45% मृत्यु तथा 74% आर्थिक क्षति के लिए उत्तरदायी थी। जो विगत 50 वर्षों में मौसमी जलवायु और जलीय आपदाएं आई हैं, इनमें से 91% से अधिक मृत्यु विकासशील देशों में हुई है। आपदाओं की संख्या 5 गुना तक बढ़ गई है, हालांकि मृत्युओं में बड़ी गिरावट भी दर्ज की गई है। आपदाओं की संख्या बढ़ी परंतु मृतकों की संख्या है उसमें गिरावट आई है। मौसम पर्यवेक्षण में अंतराल व्याप्त था। कुल 193 सदस्य देशों में से केवल आधे देशों के पास ही बहुविपदा समय पूर्व चेतावनी प्रणालियां विद्यमान हैं। आगे बात करते हैं द स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट 2021 के बारे में। इसको विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO द्वारा जारी किया गया है। यह वार्षिक रिपोर्ट जलवायु संवेदनशील सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में अनुकूलन संबंधी आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए जलवायु सेवाओं की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करती है। वर्ष 2021 का संस्करण जल पर केंद्रित है, ध्यान रखिएगा। द स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट 2021 का संस्करण वो जल पर केंद्रित है।
प्रमुख निष्कर्ष में क्या है, वर्ष 2018 में 3.6 बिलियन लोगों को प्रतिवर्ष कम से कम एक माह के लिए जल तक अपर्याप्त पहुंच थी। वर्ष 2050 तक इस प्रकार के जल संकट का सामना करने वाले लोगों की संख्या बढ़कर के 5 बिलियन से अधिक होने की आशंका है, जो कि 2018 में 3.6 बिलियन थी। वर्ष 2000 में बाढ़ से संबंधित आपदाओं में 134% की वृद्धि हुई है। सूखे की अवधि में भी विगत दो दशकों की तुलना में 29% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। WMO के उन 34% सदस्य देशों के पास जिन्होंने डेटा उपलब्ध करवाया है तथा 54% अन्य सदस्य देशों के पास नदीकृत बाढ़ और सूखा संबंधी समग्र पूर्वानुमान एवं चेतावनी प्रणाली अनुपस्थित या अपर्याप्त है। अगला है जलवायु संकट बाल अधिकार संकट है। ये बाल जलवायु जोखिम सूचकांक का प्रारंभ, द क्लाइमेट क्राइसिस चाइल्ड राइट क्राइसिस इंट्रोड्यूसिंग द चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स CCRI, इसे जारी कौन किया है, यूनिसेफ, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। यह रिपोर्ट वैश्विक स्तर पर जलवायु और पर्यावरणीय खतरों से बच्चों के समक्ष जोखिम और उनकी सुविधता का एक प्रारंभिक मूल्यांकन अवधारणात्मक रूपरेखा एवं एक उपकरण प्रस्तुत करती है। इससे सर्वाधिक जोखिमग्रस्त बच्चों के लिए प्राथमिकता के आधार पर उपाय करना संभव हो सकेगा। इस रिपोर्ट के माध्यम से बाल जलवायु जोखिम सूचकांक को आरंभ किया गया। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि बाल जलवायु जोखिम सूचकांक किसने प्रारंभ किया, यूनिसेफ ने प्रारंभ किया, ये याद रखिएगा। इस सूचकांक के अंतर्गत पर्यावरणीय दबावों और चरम मौसमी घटनाओं के प्रति बच्चों की सुविधता के आधार पर देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है। देखिए, यह जो CCRI है, बाल जलवायु जोखिम सूचकांक, इसकी संरचना दो केंद्रीय स्तंभों पर आधारित है। कौन कौन सी, यहाँ पर दिखाया गया है, एक है जलवायु और पर्यावरणीय आघातों एवं दबावों का बच्चों के साथ के समझ खतरा, और दूसरा है बच्चों की सुविधता। तो पहले वाले में क्या है, जल न्यूनता, जल संकट, नदी की बाढ़, तटीय बाढ़, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, वाहक जनित रोग, उष्ण तरंगे या हीट वेव्स, वायु प्रदूषण, मृदा एवं जल प्रदूषण। वहीं बच्चों की सुविधता वाले स्तंभ में क्या है, बाल स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, जल स्वच्छता और स्वास्थ्यकारिता तथा निर्धनता, संचार, परिसंपत्ति और सामाजिक संरक्षण। देखिए, इस सूचकांक में शामिल 163 देशों में मध्य अफ्रीकी गणराज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। पाकिस्तान 14वें स्थान पर, बांग्लादेश 15वें और अफगानिस्तान 25वें और भारत जो है 26वें स्थान पर है। 26वां उन चार दक्षिण एशियाई देशों में शामिल जहां बच्चों पर जलवायु संकट के प्रभाव का अत्यधिक जोखिम है। मतलब सबसे अधिक जोखिम कहां पर है, मध्य अफ्रीकी गणराज्य में, ठीक है। और इस क्रम में भारत 26वें नंबर पर है। रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष में क्या है, वयस्कों की तुलना में बच्चे अधिक सुभेद हैं। विश्व स्तर पर लगभग 1 बिलियन बच्चे, सभी बच्चों में से लगभग आधे, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के प्रति अत्यधिक उच्च जोखिम में है। आगे बात करते हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI के बारे में। इसको कौन प्रस्तुत करता है, जर्मन वाच के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ध्यान रखिएगा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन नीति में पारदर्शिता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। भारत ने CCPI में शीर्ष 10 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले देशों में अपना स्थान बरकरार रखा है। डेनमार्क सर्वोच्च रैंकिंग प्राप्त करने वाला देश है। यहाँ पर ध्यान रखिए कि इस 10 में से शीर्ष जो 3 स्थान है वो रिक्त हैं। तो इस प्रकार से ओवरऑल डेनमार्क चौथे पे है। CCPI ने 4 श्रेणियों, कौन कौन सा, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा उपयोग तथा जलवायु नीति में 60 देशों और यूरोपीय संघ का मूल्यांकन किया है, जो एक साथ वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का 90% तथा 90% प्लस उत्पन्न करते हैं। आगे बात करते हैं उत्पादन अंतराल रिपोर्ट 2021 के बारे में, प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट 2021। देखिए, जारीकर्ता कौन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ध्यान रखिएगा। उत्पादन अंतराल रिपोर्ट, प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनेप। यह रिपोर्ट पेरिस समझौते के तहत निर्धारित तापमान सीमा के अनुरूप सरकारों द्वारा भविष्य में किए जाने वाले जीवाश्म ईंधन के योजनाबद्ध उत्पादन, प्लांट प्रोडक्शन और वैश्विक उत्पादन स्तरों के मध्य विद्यमान अंतराल का मापन प्रस्तुत करती है। ज्ञातव्य है कि पेरिस समझौते के तहत वैश्विक औसत तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने की बात कही गई है। इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों में क्या है, जहां एक ओर विभिन्न देश पेरिस समझौते के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित करने में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर उन्होंने जीवाश्म ईंधन उत्पादकता में शीघ्रता से कमी करने के लिए स्पष्ट रूप से उठाए जाने वाले ठोस कदमों की पहचान या योजना का निर्माण नहीं किया, जबकि यह पेरिस जलवायु लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। इस रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि विश्व के विभिन्न देश वर्ष 2030 तक 110% अधिक जीवाश्म ईंधन का उत्पादन करने की योजना बना चुके हैं। अतः यह वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित करने के लक्ष्य से सुमेलित नहीं है। यदि वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने की बात कही जाए तो भी यह उत्पादन 45% अधिक है।
आगे बात करते हैं मिशन 2070 अ ग्रीन न्यू डील फॉर अ नेट जीरो इंडिया। इसको कौन जारी किया है? इसको विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दस्तावेज में यह तर्क दिया गया है कि भारत द्वारा शुद्ध शून्य नेट जीरो अर्थव्यवस्था को अपनाने में से 50 मिलियन से अधिक रोजगार सृजित हो सकते हैं या वर्ष 2030 तक आर्थिक रूप से $1 ट्रिलियन से अधिक और वर्ष 2070 तक लगभग $15 ट्रिलियन तक का योगदान भी कर सकती है। यह दस्तावेज जो है उन प्रमुख क्षेत्रों के लिए बिकार्बनीकरण करने वाली रणनीतियों को सूचीबद्ध करता है जो भारत में लगभग सभी प्रकार की ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में योगदान करते हैं। आगे बात करते हैं भारत की जलवायु सुविधता का मानचित्रण एक जिला स्तरीय आकलन रिपोर्ट मैपिंग इंडियाज क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट एंड क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स कौन जारी किया है? काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरमेंट एंड वाटर के ने मिलकर के। ऊर्जा पर्यावरण और जल परिषद CEEW ने भारत के 640 जिलों का अत्यधिक बाढ़ सूखे और चक्रवातों के प्रति उनकी सुविधता के संदर्भ में विश्लेषण किया है। यह जलवायु सुविधता सूचकांक क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स पर जिलों को रैंकिंग प्रदान करती है। यह रैंकिंग स्थानिक अस्थायी विश्लेषण का उपयोग करते हुए इन जिलों के जोखिम संवेदनशीलता और अनुकूलन क्षमता के आधार पर दी जाती है। इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों पर बात करें तो 80% से अधिक भारतीय जो हैं जलवायु जोखिमों के प्रति सुभेद जिलों में रहते हैं। ठीक है, इसके प्रति सुभेद जिलों में रहते हैं। इनमें से प्रत्येक 5 भारतीय अत्यंत सुभेद क्षेत्रों में या सुभेद क्षेत्रों में निवास करते हैं। सर्वाधिक सुभेद जिलों में कौन सा है? असम का धेमाजी और नौगांव, तेलंगाना का खम्मम, उड़ीसा का गजपत, आंध्र प्रदेश का विजयनगरम और महाराष्ट्र का सांगली तथा तमिलनाडु का चेन्नई है। ध्यान रखिए सर्वाधिक सुभेद जिला कौन सा है? असम का धेमाजी और नौगांव, इसके बाद तेलंगाना का खम्मम है, उड़ीसा का गजपति है, आंध्र प्रदेश का विजयनगरम है, महाराष्ट्र का सांगली है और तमिलनाडु का चेन्नई है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने इस इन्वायरमेंट जो PT365 है इसका जलवायु परिवर्तन वाला पूरा पोर्शन कवर किया। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।